जेसीएलसी कैसे हो? आप मनोज सर हैं, टीम बायोलॉजी, आपका अपना श्रवण। तो आज 27वां डीसीएम का सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, हमने प्लान बनाया था, हमने 28 जून को प्रोग्राम दिया था ना, सब लोगों ने एक मजाक का पात्र बनाया था कि साहब आप तो 3 सितंबर तक का प्रोग्राम बना रहे हो, एग्जाम 1 अगस्त होती है। तो हमने कहा ये बाढ़ सफेद धूप में नहीं है भाई, अनुभव एग्जाम के बारे में 12 सितंबर को है और आईटी तो डेट कल 3 अक्टूबर की आई है। डियर, आप तो सीएलसी को फॉलो करें, एक बात ध्यान सुनो, सीएलसी एकमात्र संस्था आपके अपने जिसके करीब 20,000 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन पड़ा यूट्यूब पे सीक्वेंस से। क्या क्या है? गुरुनीति, फिजिक्स पंच, केमिस्ट्री पंच, बायोकेम डीटीएस है ना, प्रीवियस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन और डेली टेस्ट सीरीज और डीसीएम। और दोस्तों एक बात और सुनो, प्रीवियस पेपर और फिजिक्स की को छप के आ गया है, सीकर में मिलना स्टार्ट हो गया है, अपने 10th 12th की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड और नीट के फॉर्म की जो कॉपी आती है एप्लीकेशन फॉर्म, वो साथ लेके आ जाओ, जमा कराओ और लेके चले जाओ, मिल लो इस बहाने सब लोग शाम को। एक बात और सुनो, आपके टेस्ट होता है, पेपर की पीडीएफ आती है, रैंक आती है, वीडियो सॉल्यूशन आता है, और क्या चाहिए। और एक सुनो बच्चों, मेरा नंबर 9992873888 पे आप मुझे रोज मैसेज किया करो, मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये है और मेरे नंबर ये है डीसीएम में, मैं उसका जवाब वापस दूंगा, मेरी गारंटी है, मेरे वादा आपसे गारंटी। क्या फिर आपको मैं मोटिवेट करूंगा, किसी को प्यार से, किसी को डांट से, वो मेरा अपना तरीका रहेगा, ठीक है डियर। तो मनोज सीएलसी भी है, आप स्टूडेंट भी है सीएलसी के, एक मजबूत प्लेयर है सीएलसी के, ओके डियर। तो ठीक है भाई, 27वां डीसीएम, तो डीसीएम है तो प्लीज आप इसका सॉल्यूशन ले, ओके डियर, थैंक यू, जय सीएलसी। हाँ जी बेटा, जैसा कि आप अपनी बात अभी हुई, बॉस के साथ इंटरेक्शन आपका हुआ, 27वां आपके डीसीएम, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, नीट ओरिएंटेड पेपर, सुपर पेपर, एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बेसिक से लेके एक लेवल तक क्लियर करने वाला बेटा आपके क्या था पेपर था। आई होप आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत शानदार हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो बेटा अपन अभी इसका क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, आपके सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से ही अपन क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्विस चीज इज सिंथेसाइज्ड बाय, स्विस चीज जो है वो फेमस है अपने पोर्स के लिए, तो ये जो पोर है उनको जनरेट करने का जो काम करता है वो एक बैक्टीरिया है बेटा, कौन सा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो यहां आंसर जो चला जाएगा बेटा आपका कौन सा जाएगा, प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शर्मानी। अब अगर बाकी की अगर अपन बात करें तो पेनिसिलियम नोटेटम आपके एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से रिलेटेड है बेटा, पेनिसिलियम रॉक्यूफॉर्टी जो है वो आपके क्या है, रॉक्यूफॉर्टी चीज जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, स्मॉल स्मेल होती है, उससे रिलेटेड है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो आपके काय की साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसकी डिस्कवरी से बेटा क्या है, रिलेटेड है। तो यहां आंसर जो चला जाता है बेटा आपके कौन सा जाता है, फर्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया हुआ है क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गॉट नोबेल प्राइज फॉर एंटीबायोटिक। आपको अच्छी तरह से पता है एंटीबायोटिक जो है उसकी डिस्कवरी जो है वो आपकी किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा, ये जो है और इसकी एप्लीकेशंस के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था किसकी, किसको, चैन और फ्लोरे को। इसकी डिस्कवरी जो है वो इन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम करते हुए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से की थी, और इन्होंने यहाँ कहा था कि कोई भी ऐसा केमिकल सबस्टांस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही आपके क्या हो, सीक्रेट हो और किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बेटा आपके क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, वो होता है आपके एंटीबायोटिक। जो फर्स्टली आपके डिस्कवर्ड हुआ था वो आपके कौन सा था, पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम से आपके डिस्कवर किया गया था। फिर इसका एप्लीकेशन जो है, इसका यूज जो है वो आपके किसने, चैन और फ्लोरे ने, जो भी आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी इंजर्ड आपके अमेरिकन आर्मी के जो भी आपके मेंबर्स थे उनके ट्रीटमेंट में इन्होंने किया था। इसीलिए डिस्कवरी के लिए तो बेटा किसको, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और इसके एप्लीकेशंस के लिए, इसके यूजेज के लिए चैन और फ्लोरे को आपके क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। तो ये आपके 3 साइंटिस्ट, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे तो इससे रिलेटेड हैं, तो रॉन्ग यहां कौन सा हो जाता है बेटा, फ्रैंकलिन। ओके, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, फिर वही चीज आपके आगे अभी जो अपन ने बात की थी कि साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज। सबसे पहली बात है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए जो है, ये जो है आपके क्या है, इसकी जो ये आपके सेपरेट जो किया जाता है, आइसोलेट जो किया जाता है, जिससे प्राप्त होता है वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
कौन है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक बेटा आपके क्या है, फंगस है। इसका यूज जो है वो आपके क्या होता है, जब अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो अगर इम्यून सिस्टम इंड्यूस हो गया तो उसकी रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बेटा आपके क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम को आपके क्या करता है, सप्रेस करता है, ताकि उसके रिजेक्शन की संभावनाएं आपके क्या हो जाएं, कम हो जाएं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आपका क्या हो सके, सफल हो सके। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यून सिस्टम को आपके क्या करता है बेटा, सप्रेस करता है। तो ये काम करेगा किसके रूप में, इम्यूनो सप्रेसिव के रूप में, प्रतिरक्षी संदमक के रूप में। अब ये आ रही है बात समझ में बेटा। नेक्स्ट जो है उसमें अगर आप बात करते हो तो विच इज इनकरेक्ट मैचिंग, मिलाते हैं क्लोट ब्लस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है बिल्कुल, ये जो भी आपके क्या है ब्लड के क्लोट बनते हैं उनको डिजॉल्व करता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में आपके क्या है, यूजफुल है, सही है। स्टेटिंस जो है वो मोनोस्कस परप्यूरियस से आपको प्राप्त होते हैं, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेटा क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ये भी आपके क्या है, सही है। इम्यूनो सप्रेसिंग साइक्लोस्पोरिन ने अभी जस्ट आपको बताया है, तो ये भी आपके क्या है, सही है। लेकिन कर्ड जो है वो आपके बेटा प्राप्त होता है किससे, किससे अपन करते हैं, जो मिल्क को आपके कर्ड में कन्वर्ट करता है वो कौन है, LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन है बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया है, ना कि यीस्ट। तो ये आपके बेटा क्या हो जाता है, रॉन्ग। आ रही है बात, एक एक क्वेश्चन आपके कहां से किया, फ्रेम किया गया बेटा, NCERT से। हर एक कॉन्सेप्ट को अपन ने उठाने की कोशिश की गई है, ताकि आपका एम्ब्रायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर एकदम आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और एनसीईआरटी को आप ऐसे क्लियर करते हुए चलोगे, एक एक पॉइंट पे बात करोगे, तो 90 out of 90 लाने में बेटा कहीं भी दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, फिर आपको दिया गया है कि आप फ्लॉक्स जो है वो क्या होते हैं। देखो आप क्या कहते हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके कैसा है, फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें अपन मेनली करते हैं फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपके एरोबिक टैंक में जब अपन क्या है, एरेशन उसमें बनाते हैं, तो यहाँ ग्रो करते हैं आपके कौन, फंगस और बैक्टीरिया। और ये फंगस और बैक्टीरिया जो है उनके आपके क्या है, एक ग्रुप्स की फॉर्म में आपके क्या है, मिलते हैं, उनको अपन कहते हैं क्या, फ्लॉक्स। तो यहाँ फंगस फिलामेंट्स होंगे किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं बेटा, डिग्रेड करते हैं, और डिग्रेड करके जो BOD है उसको आपके क्या लाते हैं, डिक्रीज करते हैं। BOD आपको पता ही है, 1 liter जो सैंपल है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने अमाउंट में ऑक्सीजन का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, उसको अपन कहते हैं क्या, BOD। BOD किसी भी वाटर का आपके क्या है, जितना हाई होगा उतना ही वाटर पॉल्यूशन आपके क्या है, हाई है, जितना BOD कम है उतना ही वाटर पॉल्यूशन आपके क्या है, कम है। तो मुद्दे की बात पे आए तो फ्लॉक्स जो है वो आपके किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, एरोबिक टैंक में फंगल फिलामेंट्स हैं किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। तो आपके क्या है, फंगल फिलामेंट्स ही हो जाएंगे बेटा किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बेटा डिस्कस करते हैं, यहां आपके दिया हुआ है देखो C और XY, यहां ये आपके क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहां ध्यान रखना बेटा, डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन आपके क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन को जो इंड्यूस करते हैं उन एंजाइम्स का जो ग्रुप है बेटा, उस ग्रुप को अपन कहते हैं क्या, लायाजेज। क्या कहते हैं, लायाजेज, ठीक है, इस ग्रुप्स को अपन कहते हैं क्या, लायाजेज। आ रही है बात समझ में बेटा। नेक्स्ट जो है वो अपन बात करें तो फिर है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का संग्रहित रूप है। तो पहले अगर आप बात करते हो गाई की ग्लाइकोजन की, तो ये स्टोरेज फूड मटेरियल है आपके किसमें, स्टोरेज आपके फूड मटेरियल है किसमें, एनिमल में, ठीक है, स्टोरेज फूड मटेरियल बेटा होता है किसमें, एनिमल में। और वो दूसरा स्टार्च जो है वो स्टोरेज फूड मटेरियल है किसमें, प्लांट में, ठीक है। यहां अगर आप बात करोगे काइटिन की, तो ये आपके क्या है, फंगल सेल वॉल को बनाता है, ये फंगल सेल वॉल को। तो एनर्जी कंटेनिंग स्टोरेज मटेरियल जो है वो बेटा आपके कौन हो गया, एक तो ग्लाइकोजन हो गया, एक स्टार्च हो गया। तो ये दोनों हो गए, तो आंसर आपके आ जाएगा क्या, बोथ, ठीक है। तो यहां आंसर आपके चला जाएगा क्या, बोथ।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो रिलैक्स मूड में बिल्कुल आप सुनोगे, क्या कहोगे, एंजाइम जो है वो आपके क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। मोस्टली आपके किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के, एक एक्सेप्शन है क्या राइबोजाइम जो आरएनए या फिर आप क्या कहोगे न्यूक्लिक एसिड का बना होगा। ये जो है केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसको बिना इफेक्ट किए जो जो आपके रिएक्शन है वो जो आपके क्या है बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को आपके क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को ही आपके क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो बायोकैटलिस्ट होते हैं मोस्टली आपके किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके अलावा आप क्या कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बेटा आपके क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। चलो आते हैं ऑप्शंस पे। एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है बेटा। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। एंजाइम्स चेंज द केमिकल इक्विलिब्रियम, एंजाइम कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। मोस्टली देखो इसने सारा नहीं कहा है, मोस्टली एंजाइम्स जो है वो आपके क्या है, प्रोटीन है, बिल्कुल सब प्रोटीन है, छोड़ के किसको, राइबोजाइम को। तो यहाँ आंसर जो आपके हो जाता है वो बेटा आपके कौन सा है, थर्ड, कि एंजाइम्स चेंज द केमिकल इक्विलिब्रियम, नहीं, एंजाइम केमिकल इक्विलिब्रियम को चेंज बेटा नहीं करते। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन। अभी अपन बात कर रहे थे रूबिस्को फोटोसिंथेटिक एंजाइम है, प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, क्रिएटिन भी आपके क्या है, प्रोटीन। राइबोजाइम जो है वो आपके बेटा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन, आरएनए। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो आपके क्या है, राइबोजाइम। ओके बेटा, नेक्स्ट आप बात करोगे तो ये कह रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स विद। देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है किसके, सबस्ट्रेट के, और सबस्ट्रेट के इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होने के कारण ये एंजाइम की एक्टिव साइड जो है उससे बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, कॉम्पिटिशन करता है। इसीलिए इसको अपन कहते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहां जो कॉम्पिटिटर जो आपके क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो आपके किससे बाइंड होगा, तो आपके क्या है, एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइड जो है, तो ये फ्री है एंजाइम की एक्टिव साइड से बाइंड अप होने के लिए। तो यहां फ्री एंजाइम टू इट्स एक्टिव साइड। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो फिर आप कहोगे क्या, ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी गैमेट। देखो ट्रिपल फ्यूजन जो है उसमें आपके क्या होगा, देखो बेटा कॉन्सेप्ट समझे आप, ट्रिपल फ्यूजन जो है उसमें आप क्या कहोगे, तीन न्यूक्लियस जो है उनका आपके क्या होगा, फ्यूजन होगा। ये एन एन आपके क्या होती है, पॉलर न्यूक्लियाई होती है। ये फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ही आपके क्या हो जाता है, 2N हो जाता है, और इसको अपन कहते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, प्लस आपके क्या हो जाएगा यहाँ, मेल गैमेट, मेल गैमेट, और इनके मिलने से आपके क्या बनता है बेटा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के काय का एंडोस्पर्म का आपके क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ आपने बेसिक समझ लिया, अब अपन आते हैं क्या पूछ रहा है, ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी गैमेट, सेकेंड गैमेट, सेकेंड गैमेट यहाँ जो है, ये जो आपके मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट है, किसके साथ फ्यूज हुआ है, पॉलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहां आंसर चला जाएगा बेटा क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर यहां देखो सीधा सीधा डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी का, ये इसमें 1% आपको दिमाग में लगाना, सीधा एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है बेटा, आपको डायग्राम दिया हुआ है। चलो करते हैं अपन, ए जो है वो बेटा आपके क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बी जो है देखो अपने आप दिख रहा है यहाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस आपके किसमें होता है, सिनर्जिड्स में। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सिनर्जिड, यहाँ ये आपके क्या है बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये आपके क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, यहाँ ये दोनों आपके क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, ये आपके क्या है बेटा, मेल गैमेट, ये आपके क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्या है बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये जो है वो आपके क्या है, एग सेल। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, सेंट्रल सेल। तो इसको मिला है आपको, कौन सा ऑप्शन ऐसा दे रखा है, तो आप देखें ए जो है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक में ही दे रखा है, ये रहा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी जो है वो आपके क्या है सिनर्जिड, सी जो है वो आपके क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस, डी जो है वो आपके क्या है मेल गैमेट्स, ई जो है वो आपके क्या है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एफ आपके क्या है सेंट्रल सेल, और जी जो है वो आपके क्या है एग न्यूक्लियस या फिर आपके एग सेल। तो बेटा हर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से क्या है फेम है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से क्या है फेम है। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि सीएलसी की डीसीएम भी आप ईमानदारी से दे गए जो एकदम नीट ओरिएंटेड है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आना ही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ते रहे, डीसीएम के जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको आप क्या करते रहे सॉल्व करते रहे, तो आपके 90 out of 90 या 89 तक का आप आराम से सोच सकते हो। देख रहे हो आप पेपर पूरा आपके कहां से, डायग्राम कहां से उठाया गया है, एनसीईआरटी से, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, एग सेल आपके सिनगेमी करेगा, इसके अलावा आपके पॉलर न्यूक्लियाई जो है वो आपके ट्रिपल फ्यूजन में क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन आपके क्या होता है पोस्ट एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये सारी चीजें आपके क्या हो बेटा एकदम क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है वो आपके कह रहा है, देखो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स उठाए गए है ना सीधे के सीधे, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, तो यहां आपके आ जाएगा क्या डबल फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं इनको अपन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल सेल बिकम, भाई सेंट्रल सेल एक मेल गैमेट के साथ मिलेगी और क्या हो जाएगी बेटा ट्रिप्लॉइड, क्या हो जाती है ट्रिप्लॉइड, डेवलप इनटू, ये आपके किस में डेवलप होगी एंडोस्पर्म में, किस में डेवलप हो जाएगी बेटा एंडोस्पर्म में, फिर जाइगोट जो है वो आपके डेवलप हो जाएगा किसमें एम्ब्रायो में, तो मिला लो आपके जो भी सही ऑप्शन है, तो आपके डबल फर्टिलाइजेशन, फिर आपके ट्रिप्लॉइड, फिर एंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रायो, तो ये आपके मिल रहा है किसमें सेकंड में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अच्छा क्वेश्चन, इफ ए स्पोरोफाइटिक मोनोसियस प्लांट हैज, देखो भाई 2n आपको कितने क्रोमोसोम दिए हुए हैं 10, ठीक है, फिर आपके कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन फाइंड आउट, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको फाइंड आउट करने हैं किसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। बेटा ये कैसा होता है, देखो 2n आपके 10 है तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये आपके कैसा होता है 3n होता है तो 3n आपके कितने हो जाएंगे 15, ये आपके कितना है n तो n बराबर कितना है 5, ये भी आपके कैसा है n तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, ये तो पता ही होगा एंडोस्पर्म 3n है तो 15 हो गया, एग सेल आपके एन होती है तो 5 हो गया, और एंटीपोडल्स भी आपके क्या होती है एन होती है तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5, तो ये आपके आ जाएगा 15 5 5, ओके बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपको मैचिंग करनी है, तो ए जो है वो आपके क्या है लेबलिंग में बताओ एपीडर्मिस, क्या है एपीडर्मिस, बी जो है वो आपके क्या है बेटा एंडोथीसियम, ठीक है, सी जो है वो आपके क्या है बताओ टैपिटम, ठीक है, और डी जो है वो बेटा आपके क्या है मिडिल लेयर, तो ऐसा आपके किस में दे रखा है देख लो, ए जो है एपिडर्मिस, बी आपके एंडोथीसियम, सी टैपिटम, और डी आपके मिडिल लेयर, तो आंसर जो है यहां आपके हो जाएगा बेटा सेकंड, ओके बेटा। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके क्या माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है देखो माइकोराइजा में आप कहोगे क्या ये आपकी जो हायर प्लांट्स की जो रूट होती है बेटा, हायर प्लांट्स जो हैं उनकी रूट जो है और आपके किसके बीच में जो फंगस है उसके बीच में आपके सिम्बायोटिक आपके क्या है बेटा एसोसिएशन है, इसमें आपके क्या हायर प्लांट्स की जो रूट है वो तो आपके फंगस को देती है शेल्टर प्लस आपके देती है क्या न्यूट्रिशन, बदले में फंगस जो है वो आपके काय में वाटर प्लस मिनरल्स जो हैं उनके न्यूट्रिशन में या मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन में आपके क्या करता है बेटा हेल्प करता है, तो यहां आप क्या कहोगे माइकोराइजा क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड आपके रूट, तो आपके क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका हायर प्लांट्स की रूट और आपके किसके बीच में जो भी आपके क्या है फंगस जो है उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बेटा अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट आप देखोगे तो आप क्या कहोगे देखो नेक्स्ट जो है वो आपको दे रखा है बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट आपको बताया हुआ है
कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने की बात हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाने की बात हो, इन दोनों में ही बेटा आपके कौन काम आता है, सैकेरोमाइसीज सर्वेसी। और सैकेरोमाइसीज सर्वेसी जो है वो बेकरी प्रोडक्ट और आपके क्या है फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के काम में आने के कारण बेकर्स यीस्ट भी यही है और ब्रीवर्स यीस्ट जो होता है बेटा वो भी आपके कौन है सैकेरोमाइसीज सर्वेसी। तो यहां राइट आंसर जो होगा वो आपके होगा बेटा क्या सैकेरोमाइसीज सर्वेसी। नेक्स्ट अपन बात करें तो फिर आप कहोगे क्या यहां आपको दिया हुआ है क्या इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। देखो आपके क्या कहा जाता है कि कुछ लोग जो हैं उनको आपके क्या है भोजन तो मिल जाता है लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट्स की आपके क्या रहती है कमी रहती है, ऐसे लोगों को कहा जाता है बेटा आपके क्या हिडन हंगर। तो आपके क्या है प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ऐसी टेक्निक्स या ऐसी वेराइटीज आपके डेवलप की गई जिससे न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज की गई किसमें वेरियस वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स में। इसको अपन कहते हैं क्या जैव पुष्टिकरण या इसको अपन कहते हैं क्या बायो फोर्टिफिकेशन। तो इसको बोल बेटा अपन बोलते हैं क्या बायो फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो आप क्या कहोगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पोमेटो कि पोमेटो जो है वो आपके क्या है तो पोमेटो में आप क्या कहोगे टोमेटो है प्लस आपके क्या है पोटेटो, इनका बेटा आप क्या लोगे प्रोटोप्लास्ट, क्या लोगे प्रोटोप्लास्ट, इसका भी आप क्या ले लोगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है सेल वॉल आपके क्या है लेस या सेल वॉल रहित जो सेल होती है उसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इन दोनों के फ्यूजन से जो बनेगा वो आपके होगा क्या पोमेटो। तो इस पोमेटो को आपके काय से बनाया गया बेटा सोमेटिक हाइब्रिड ऑफ पोमेटो एंड टोमेटो। तो पोमेटो का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके किससे होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पोमेटो एंड टोमेटो बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या कहोगे देखो नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड एज एक्स प्लांट फॉर वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन। वायरस फ्री प्लांट्स का आपको क्या करवाना है प्रोडक्शन करवाना है, क्या करना है वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट का आपको बेटा क्या करवाना है प्रोडक्शन करवाना है। तो इसके लिए आप यूज करोगे किसको एपिकल मेरिस्टेम को। एपिकल मेरिस्टेम जो है इसकी सेल्स में आपके फ्रीक्वेंटली आपके क्या होते हैं डिवीजन होते हैं इसलिए यहां वायरस जो है बेटा क्या नहीं कर पाता ग्रो नहीं कर पाता। तो यहां आपके क्या है वायरस फ्री प्लांट्स आपके प्रोड्यूस करवाने के लिए एक्स प्लांट की फॉर्म में जो यूज होता है वो आपके कौन है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन अगर बात करें तो फिर आप क्या कहोगे हाउ मनी कार्बन फाउंड इन ओनली हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। देखो आपके एनसीईआरटी क्या कहती है जो आपके क्या है पाल्मिटिक एसिड जो है ठीक है पाल्मिटिक एसिड इसमें आपके COOH सहित प्लस हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसमें टोटल आपको दिए हुए हैं 16 कार्बन लेकिन यहां क्वेश्चन में पूछा गया है किसमें ओनली हाइड्रोकार्बन चेन। तो ओनली हाइड्रोकार्बन चेन में ये आपके आएगा नहीं तो आपके ओनली कितने आ जाएंगे 15 कार्बन 15 क्या आ जाएंगे बेटा कार्बन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप क्या कहोगे नेक्स्ट जो है वो आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंजाइम के बारे में आप जानते ही हो क्या होता है बायोकैटलिस्ट होता है जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा आपके क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है। अब आपको पता ही है एंजाइम जो है उसमें क्या होती है एक्टिव साइट्स होती हैं। जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो है वो खाली हैं तब तक आप जैसे 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 सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वैसे 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 रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो आपके क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। लेकिन एक बार एंजाइम मॉलिक्यूल पूरा यूज हो गया इसका मतलब यह है कि उसकी एक्टिव साइट्स जो है वो सारी आपके फिलअप हो गई तो उसके बाद सबस्ट्रेट आप ऐड भी करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके बेटा इंक्रीज नहीं होगी। तो ये यही कह रहा है एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है आपके क्या सैचुरेशन का मतलब बेटा आपके क्या है सैचुरेशन का मतलब यहां है क्या कि पूरी की पूरी एक्टिव साइट्स जो हैं वो आपके क्या हो चुकी हैं बाइंड अप हो चुकी हैं सबस्ट्रेट के साथ। ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो एंजाइम मॉलिक्यूल्स फ्री टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये आपके कहना चाह रहा है
कि जब तक एंजाइम फ्री है, उसकी एक्टिव साइट्स फ्री हैं, तब तक ही आप सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बढ़ा के आप रेट ऑफ रिएक्शन को आप बढ़ा सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके एंजाइम मॉलिक्यूल अब आपके फ्री नहीं रहा, अब उसके पास एक्टिव साइट्स है ही नहीं कि वो सबस्ट्रेट को ले सके, तो फिर यहां आपके कोई भी किसी भी प्रकार का आपके क्या है, एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री नहीं बचता एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए, जब एक्टिव साइट्स आपके पूरी तरह आपके क्या हो चुकी हैं, बाइंड हो चुकी हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। अब सिंपल सा एग्जांपल लें बेटा, इससे समझे आप। एक जो बस है उसकी कैपेसिटी 50 सवारी की है, बस को आप मान लें एंजाइम। जब तक आपके 50 सवारी आती है तब तक तो फिलिंग होगी फास्टली, यानी कि फिलिंग फास्टली, लेकिन जैसे ही 50 सवारी बैठ गई तो अब कितनी सवारियां हो ना, क्या बस और सवारी ले पाएगी, क्या नहीं ले पाएगी। तो वही एंजाइम के साथ है कि आपने क्या है एक्टिव साइट्स जो है वो सारी की सारी आपके बाइंड कर दी, सारे सब पे आपके क्या बैठा हुआ है, सबस्ट्रेट बैठा हुआ है, तो अब एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री नहीं है। अब सबस्ट्रेट आओ तो भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहां कह रहे हो ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज द मैक्सिमम वेलोसिटी, सही है। जब सबस्ट्रेट यानी कि जितनी भी एक्टिव साइट्स थी उन पे सब पे आपके सबस्ट्रेट बैठा हुआ है तो आपके वी मैक्स हो गया। अब आपके एक्टिव साइट्स खाली नहीं है तो वी मैक्स पे पहुंच गया, तो अब अल्टीमेटली इसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीड बाय द एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो अब एंजाइम की एंजाइम जो है उसकी बाइंडिंग साइट्स एक्टिव साइट्स सारी की सारी आपके क्या हैं, फुल हैं सबस्ट्रेट के साथ। अब सबस्ट्रेट की आप कंसंट्रेशन भी बढ़ाओगे तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन या वी मैक्स जो है आगे और इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ये भी जो आपके स्टेटमेंट है बेटा आपके क्या है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो फिर आप कहोगे क्या, नेक्स्ट जो है वो आपके दिया गया है ट्रिप्टोफैन इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स फॉर अस बिकॉज। ट्रिप्टोफैन को छोड़ो, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड की आपसे डेफिनेशन पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहोगे, एक तो आपके अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल और दूसरा होता है आपके कौन, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल, एक एसेंशियल है एक आपके क्या है, नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल जो है उसमें आप क्या कहोगे, इसका सिंथेसिस जो है वो बॉडी में नहीं होता, इसका सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता, इसीलिए इनको आपके कहां से, बाहर से आपके लेना पड़ता है। जबकि इनका सिंथेसिस जो है वो आपकी बॉडी में हो जाता है और बॉडी में हो जाने के कारण इनको आपके बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमीनो एसिड है, क्यों, क्योंकि इसका सिंथेसिस अपनी बॉडी में नहीं होता, इट कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप क्या कहोगे, देखो नेक्स्ट है सीधा सीधा एनसीईआरटी का बेटा आपके क्या है, क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी का आपके क्या है, क्वेश्चन है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू कितने, 6 क्लासेज में डिवाइड है और ईच जो है वो आपकी कितनी, 4 to 13 आपके क्या है इसमें सब क्लास है, एंड नेम अकॉर्डिंगली बाई ए, कौन सा, 4-digit कोड के आधार पर इसको आपके क्या की जाती है, इसकी नेमिंग की जाती है। आगे बात समझ में, एनसीईआरटी का एज इट बेटा क्या है, स्टेटमेंट है, डिट्टो अपन एनसीईआरटी की क्या कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट है आपके इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एडेड देन द वैल्यू ऑफ KM। ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेटा क्या करके जाएगा, क्लियर करके जाएगा। सबसे पहली बात, KM जो है वो आपके क्या है, KM की अगर आप बात करोगे तो आपके कंसंट्रेशन है किसकी, सबस्ट्रेट की, किसकी, सबस्ट्रेट की बेटा आपके क्या है, कंसंट्रेशन है, जिस पर वी मैक्स जो है अपना आपके क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो इट मीन्स KM जो है वो आपके सबस्ट्रेट की वो आपके क्या है, कंसंट्रेशन है, जिस पे वी मैक्स अपना खुद का आपके क्या है, हाफ है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं माइचेलिस मेंटिस कांस्टेंट, ठीक है। अब आप कहोगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट की बेटा क्या होती है, सिमिलर होती है, सबस्ट्रेट की आपके क्या होती है, सिमिलर इसकी बेटा आपके क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उससे बाइंड अप होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, कॉम्पिटिशन करता है, और इससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको काहे की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो आपके क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी।
अब ध्यान दें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो इट मींस केएम जो है वो भी बेटा आपके क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां जो है वो आपके केएम जो है वो आपके क्या होगा, इंक्रीज। आई बात समझ में, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसपे वी मैक्स अपना क्या होता है, हाफ होता है, वो आपके क्या है, केएम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की स्ट्रक्चर जो है वो आपके सबस्ट्रेट के जैसी होती है, किसके जैसी होती है, सबस्ट्रेट के जैसी होती है, इसीलिए वो आपके काय से एंजाइम की एक्टिव साइड से बाइंड होने के लिए क्या दिखाता है, कॉम्पिटिशन आपके क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो यहां इससे निजात पाने के लिए अपन काय की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बेटा आपके क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहां आपको क्या करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी, तो केएम जो है वो आपके क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। तो ये आपके बात हो जाती है क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है बेटा, अगर अपन बात करें ए टाइपिकल डाइकोटिलेडंस एम्ब्रायो ऑफ एन, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको बनाते हो तो आप क्या कहोगे, ऐसे बना ले, ठीक है, इसको आप बना रहे हो ऐसे बना ले, फिर आप कह रहे हो ये वाली जो चीज है पूरी की पूरी, ये आपके क्या है बेटा, एम्ब्रायोनिक एक्सिस, ये आपके क्या है, एम्ब्रायोनिक एक्सिस है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो आपके क्या है, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, और ये टर्मिनेट आपके होगा किस पे, लिम्यूल पे, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपके क्या है, हाइपोकोटाइल, ठीक है, और ये टर्मिनेट आपके होगा किस पे, रेडिकल पे, ठीक है। अब इस बेसिस पे आप क्वेश्चन को करें, ए टाइपिकल डाइकोटिलेडंस एम्ब्रायो, ठीक है, इसमें आपके क्या होगा, देखो ये कह रहा है एक तो इसमें आपके क्या होगा, एम्ब्रायोनिक एक्सिस, क्या होगा, एम्ब्रायोनिक एक्सिस, उसके बाद में दो आपके क्या है, कॉटिलेडन, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनिकल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडंस, इसको आप कहोगे क्या, एपिकोटाइल, क्या बोलोगे बेटा, एपिकोटाइल, और इट टर्मिनेट्स होगा आपके किस पे, क्लिम्यूल, या फिर इसको आप कह दोगे सूट टिप। तो ये आपके कहां दे रखा है, एम्ब्रायोनल एक्सिस टू एपिकोटाइल, और आपके क्या हो जाएगा, क्लिम्यूल, आंसर आपके हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप कहोगे द थैलेमस इज इडेबल पार्ट, देखो ध्यान रखना आप, यहां आप क्या कहोगे कि फ्रूट जो है वो बेटा आपके दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, फॉल्स फ्रूट, ये आपके क्या है, ओवरी के अलावा अन्य पार्ट से आपके क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लाइक आपके थैलेमस, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या है, दूसरे जो है वो ट्रू फ्रूट्स हैं, और ये ट्रू फ्रूट्स जो है वो आपके ओवरी से आपके क्या होते हैं बेटा, डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहां थैलेमस से आपके डेवलप होने वाला फॉल्स फ्रूट जो है इसका एग्जांपल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया गया है क्या, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, देखो आप क्या कहोगे, इस प्रोसेस को अपन बेटा कहते हैं एपोमिक्सिस, लेकिन इसको आप समझना, इसका जो नेम है वो ही सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एपो का मतलब होता है क्या, अवे फ्रॉम, क्या होता है, अवे फ्रॉम, और मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। तो विदाउट गैमेट्स की मिक्सिंग के आपके काय का सीड का फॉर्मेशन जो है, या विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का जो फॉर्मेशन है वो आपके कहलाता है क्या, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट जो है वो इमैस्कुलेशन एंड योर क्रॉस पॉलिनेशन, देखो इमैस्कुलेशन करवाया ही किसमें जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ताकि ओटोगेमी को आपके क्या किया जा सके, रोका जा सके, और डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पोलन ग्रेन्स को आपके इसके ऊपर आपके क्या किया जा सके, डस्ट किया जा सके। इसीलिए अपन क्या कहते हो, इमैस्कुलेशन, इसमें से अपन बाइसेक्सुअल जो भी आपके क्या होता है फ्लावर होता है उसमें से मेल पार्ट को अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो ये किसमें किया जाता है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो ये टेक्निक जो है वो किसके लिए की जाती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। फिर आप कहते हो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, देखो डबल फर्टिलाइजेशन में आपके क्या है, सेम आपके क्या है बेटा, पोलन ट्यूब, इस सेम पोलन ट्यूब में आपके क्या आते हैं, दो मेल गैमेट, क्या आते हैं बेटा, दो मेल गैमेट। फिर टू मेल गैमेट्स जो है उसमें से आप क्या कहोगे, एक जो है, एक मेल गैमेट जो है
वो तो आपके एग सेल के साथ आपके क्या करता है, सिनगेमी करता है, और यहां आपके बनता है क्या, जाइगोट, ठीक है। और एक मेल गैमेट जो होता है, एक मेल गैमेट जो है ये आपके किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसके साथ आपके क्या होता है, कंबाइन होता है, और यहां आपके बनता है क्या, पीईएन। इसको अपन कहते हैं सिनगेमी, इसको अपन कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इससे आगे आपके बन जाएगा क्या, एम्ब्रायो, और इससे आगे बन जाएगा क्या, एंडोस्पर्मेटा, ठीक है। अब इसको अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहां का हो गया आप फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल, सही है, एग सेल। दूसरा आपके एंड सेंट्रल सेल, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो आपके किसमें होता है, सेंट्रल सेल में, बाई टू मेल गैमेट्स, अलग अलग मेल गैमेट लग रहे हैं आपके, ब्रॉट बाई सेम पॉलन ट्यूब। ये किसके द्वारा लाए गए हैं, सेम पॉलन ट्यूब के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे बेटा, तो फिर आप कहोगे क्या, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आपके बेटा क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरियम इज बैक्टीरियम फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल, बिल्कुल सही है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मिथेन, नहीं बेटा इसमें मिथेन नहीं, H2S भी होता है प्लस आपके CO2 भी होती है, ठीक है। इधर आप कहोगे क्या, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक फंजाई, नहीं एरोबिक फंजाई यहां नहीं पाई जाती। फिर है बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट, ये एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती, एनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। तो सही जो है वो आपके कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप बात करोगे तो फिर आप कहोगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स, निम्न में से कौन से एंजाइम अपमार्जक के निर्माण में आपके क्या होता है, सहायक होता है। तो यहां सहायक जो होता है वो आपके होता है बेटा लाइपेज। ये लाइपेज जो है वो आपके ऑयली स्पोर्ट्स जो है, लाइपेज जो है वो ऑयली स्पोर्ट्स जो हैं उनको आपके रिमूव करने के क्या आता है, काम में आता है। ऑयली स्पोर्ट्स को आपके ये क्या करवाता है बेटा, रिमूव करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपको दिया हुआ है पूसा स्वर्णिम, ये डेवलप की गई है बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज वेराइटी ऑफ, भाई आपके पूसा स्वर्णिम जो है वो आपके हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से आपके डेवलप की गई थी, ये आपके रस्ट के लिए, आपके रस्ट पैथोजेंस जो हैं उनके लिए ये आपके क्या थी, रेजिस्टेंस थी। और ये जो वैरायटी जो है वो आपके कौन सी है, किसकी है, ये ब्रैसिका यानी कि सरसों जो है उसकी आपके क्या है, वैरायटी है। फिर आपके दिया हुआ है क्या, व्हाट इज द पॉसिबल वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर बेटर क्रॉपिंग, यहां आपको कह रहा है कि डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे अपनी डिपेंडेंसी क्या हो, कम हो, जिससे अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से आपके क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उनका यूज करें जो कि आपके पेस्ट और डिजीज जो है उनके लिए क्या हो, रेजिस्टेंट हो। ये पेस्ट और डिजीज जो है उसके लिए आपके क्या हो बेटा, ये रेजिस्टेंट हो, पहली बात। दूसरा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप यूज करें जिससे आपकी केमिकल जो भी आपके क्या है फर्टिलाइजर्स हैं या फिर आपके क्या है एग्रोकेमिकल बेस्ड जो भी आपके क्या है जो फार्मिंग है उस पर आपकी डिपेंडेंसी क्या हो, कम हो। तो ये दोनों यूजफुल यूज जो है वही आपके क्या है, कारगर हैं। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग नहीं, इससे केमिकल का यूज आपके बढ़ता है। तो आपके हो जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का आप क्या करोगे, यूज करोगे। यहां इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ने हैं, इसमें से इनकरेक्ट आपको छांटने हैं। एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 21st सेंचुरी, 21st की नहीं थी, 19th की थी। तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग। ब्रीवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट बोथ आर द सैक्रोमाइसिस सर्वेसी विच इंपॉर्टेंटली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एंड बेकर्स प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, बिल्कुल सही है बेटा। ये भाई आपके क्या है, बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट जो है दोनों ही आपके क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है जिससे आपके फर्मेंटेड ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स आपके क्या किए जाते हैं बेटा, फॉर्म किए जाते हैं। तो ये सही है। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये रॉन्ग है क्योंकि वाइन और बियर जो होते हैं उसमें डिस्टिलेशन आपके काम में नहीं आता,
तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आपके टोडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम रीजन ऑफ साउथ इंडिया विच इज फॉर्म्ड सैप ऑफ पाम्स। सही है ये भाई, आपके टोडी जो है वो आपके साउथ इंडिया का आपके क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो कि पाम ट्री जो है उसके फर्मेंटेशन से आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। लैब कंप्लीटली नहीं करता बेटा, कैसा करता है, पार्शियली करता है। तो ये भी आपके क्या हो गया, रॉन्ग। तो रॉन्ग कितने हैं, 1, 2 और 3। तो यहां 3 जो है वो आपके क्या है, रॉन्ग है बेटा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बायोमॉलिक्यूल की बेटा दी हुई है, सीधा सीधा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है। जब इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है तो 600,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर ये एब्सेंट हो तो ये आपके दिया हुआ है केवल और केवल 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर आपके क्या हो पाएंगे बेटा, फॉर्म हो पाएंगे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट जो है ये आपको दिया गया है, आर के हिसाब से आप ग्लिसराइड्स निकाल सकते हैं। ये आपके क्या है, डाइग्लिसराइड्स है। ये आपके क्या है, मोनोग्लिसराइड है। ये आपके क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। तो डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और आपके क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। ये आप देख लें, देखो बहुत अच्छी सी टेबल आपको दी हुई है बायोमॉलिक्यूल में। प्रोटीन जो है वो बेटा आपके कितना होता है बताओ, 10 से 15%। लिपिड जो है वो है आपके कितना बताओ, लगभग 2%। इसके अलावा जो आपके वाटर जो है वो आपके कितना है, 70-90%। इसके अलावा अगर आप बात करते हो किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वह है 5-7%। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बेटा आपके कितने होते हैं, लगभग आपके कितना होता है कार्बोहाइड्रेट, 3%। इसके अलावा अगर आप बात करते हो किसकी, आयंस की, तो आयंस लगभग कितने हैं, 1%। तो यहां आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट अगर इसको आप देखो तो ये आपको कहे कि लैसिथिन जो है उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है सीधी एनसीईआरटी की। तो यहाँ एक्स जो है वो तो आपके क्या है, पी, ठीक है, और जो आपके क्या है वाई जो है वो आपके क्या है, एन। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट जो है इस कॉलम से आप मैच कर दें सीधा का सीधा, अगर इसकी अगर आप बात करोगे तो ये आपके पेंटोज सुगर और आपके क्या दे रखा है, एडेनिन। तो ये आपके न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, एडिनोसिन। तो ये आपके सेकंड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बी जो है वो एडेनिन प्लस पेंटोज सुगर प्लस आपको ये क्या दे दिया है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपके क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, एडिनाइलिक एसिड। तो यहां भी दोनों में मैच कर रहा है बेटा। उसके बाद सी की अगर आप बात करो तो यहाँ यूरेसिल के साथ आपके क्या है, पेंटोज सुगर। तो यहाँ ये आपके हो जाएगा क्या, यूरीडिन। क्या हो जाएगा बेटा, ये यूरीडिन। तो ये आपके यहाँ आ जाएगा आपके क्या, थर्ड, ठीक है, यहाँ आपके आ जाएगा थर्ड। तो आंसर आपके चला जाएगा फर्स्ट, फिर प्यूरीन पिरामिडिन आपको पता ही है। नेक्स्ट अगर बेटा आप बात करते हो तो ये आपके कह रहा है, इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक प्रियर टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कंटेन्स। देखो आपके सेंट्रल सेल जो है उसमें आपके क्या है, जस्ट पहले ही आपके पूछ रहा है एम्ब्रियो सैक एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब से पहले। तो यहां आपके क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब से पहले इसमें आपके क्या होती है, दो पॉलर न्यूक्लियाई होती है। क्या होती है, दो पॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है। जैसे ही आपके क्या है, पॉलन ट्यूब की एंट्री या फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये आपके काय में क्या बना देती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां आप कहोगे दोनों जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं वो एन प्लस एन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और यहां ये आपके बन जाएगा क्या, 2n, ठीक है। तो आपके जस्ट पहले इसमें आपके क्या होते हैं, 2 हैप्लॉइड पॉलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये कह रहा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेज एंडोस्पर्म इज नॉन एच। तो ये मेज का एंडोस्पर्म जो है इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपकी होती है बेटा क्या, एल्यूरॉन लेयर। और ध्यान रखना ये एल्यूरॉन लेयर जो है ये भी आपकी कैसी होती है, 3n, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बेटा आपको दिए गए हैं, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड अट्रैक्टिंग पॉलन ट्यूब इज डन बाई एग सेल। एग सेल नहीं करती बेटा ये आपकी करती है सिनर्जिड में उपस्थित आपके कौन, फिलीफॉर्म एप्रिटस। कौन करता है, फिलीफॉर्म एप्रिटस। तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूस जाइगोट। ये ध्यान रखना, जाइगोट जब ट्रिपल फ्यूजन नहीं था या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं था
तब भी प्रोड्यूस होता था, आपके डबल फर्टिलाइजेशन से आपके क्या प्रोड्यूस हुआ है बताओ, ट्रिपल फ्यूजन जिससे आपके क्या बना है, एंडोस्पर्म, ध्यान रखना। तो ये भी आपके बेटा क्या है, रॉन्ग है। ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है कि ट्रिपल फ्यूजन जब आया तो इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, दो आपके क्या थी पॉलर न्यूक्लिया या एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था जो 2n था प्लस n मेल गैमेट मिला, तो 3n आपके क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इससे बेटा आपके क्या है, आगे चल के एंडोस्पर्म जो है उसका आपके क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। तो ये सही है। फिर है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑल स्मॉल स्मॉल तो होते हैं, फिर आपके स्कैंड और आपके क्या है कलर्ड आपके नहीं होते, सेंटेड और आपके कलर्ड नहीं होते, तो ये भी आपके क्या है, रॉन्ग। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो कितने इनकरेक्ट हैं, 3। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन, द एबिलिटी टू एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज ए रिजल्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इट्स इंटरेक्टिंग With those of pistil, in pollen these chemicals are synthesized by। देखो आप क्या कहते हो, जो pistil जो है उसमें आपके क्या है pistil और pollen जो है उनके बीच में chemical आपके क्या होते हैं interactions होते हैं, जिसे पहचाना जाता है कि pollen grain जो है वो right type है या wrong type है। तो ये कह रहा है pollen grain में जो chemicals आते हैं जो कि इस interaction के लिए या pollen plus pollen pistil interaction के लिए आपके क्या है रेस्पॉन्सिबल है, तो इन केमिकल्स का सिक्रेशन जो है वो बेटा आपके करती है कौन, टैपिटम। दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है। तो पॉलन ग्रेन जो है उसमें इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए जो भी केमिकल्स हैं वो आपके सिक्रेट जो करती है वो आपके कौन करती है, टैपिटम। फिर आप कहोगे क्या बेटा, फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल्स इन हाउ मेनी डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन जो है कौन, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो आपके होता है किसमें, एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली आपको क्या पहचानना है कि इसमें से एंजियोस्पर्म आपके कौन कौन है, ठीक है। तो साइकस है आपके एंजियोस्पर्म, मेज है, पपाया है, ग्रास है, पाइनस आपके नहीं है, टेरिडियम भी आपके नहीं है, कोकोनट आपके है, एडियंटम नहीं है, कुकुम्बर हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, वेलिसनेरिया हो जाएगा, और टेरिस भी नहीं है। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 कितने हो गए, सॉरी साइकस जो है वो भी तो जिम्नोस्पर्म है ना बेटा, साइकस जिम्नोस्पर्म है, मेज पपाया ग्रासेज, पाइनस आपके जिम्नोस्पर्म है, टेरिडियम टेरिडोफाइटा में हो जाएगा, कोकोनट आ जाएगा, एडियंटम नहीं आएगा, कुकुम्बर मैंगो और वेलिसनेरिया आ जाएंगे और टेरिस नहीं आएगा। तो यहाँ कौन कौन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तो कितने हो जाएंगे बेटा, 7। नेक्स्ट आप बात करोगे तो आप कहोगे फ्रॉम द गिवन हाउ मेनी इवेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से होंगे, आपको जो पहचानना है वो आपके क्या पहचानना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होते हैं उनको आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके कौन कौन हो रहे हैं। तो आपके कह रहा है मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, भाई ओव्यूल जो है उसका आपके काय में बदलना, सीड में बदलना, तो ये आपके क्या है, सही है। इसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की तो आप बात ही कर रहे हो तो ये आएगा कि नहीं आएगा। फिर है मैच्यूरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, बिल्कुल सही है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी आपके कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो 1, 2, 3 और 4 तो आंसर हो जाएगा आपके क्या बेटा, 4। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे अपन बात करें तो ये कह रहा है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इन एरेशन टैंक व्हेन माइक्रोब्स ग्रोइंग इनटू फ्लॉक्स देन द, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां आप कहोगे ये बात कर रहा है आपके सीवेज ट्रीटमेंट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, जहां बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जहां आपके क्या है फंगल फिलामेंट्स बैक्टीरिया के साथ फ्लॉक्स आपके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या, कि कोई भी आपके क्या है वाटर सैंपल है और इसमें ये आपके क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल अगर है
तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इसको डिग्रेड करने के लिए आपके कौन आएंगे, फंजाई प्लस बैक्टीरिया, फंजाई प्लस क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। ये इस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इसको बेटा ये आपके क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, ठीक है। और इस डिग्रेड करने के लिए आपके कंज्यूम करेंगे किसको, कंज्यूम करेंगे किसको, O2 को, किसको कंज्यूम करेंगे, O2 को, ठीक है। तो आप यहां से डेफिनेशन निकल के आती है, 1 लीटर जो सैंपल है उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इस पे आपके क्या है, फंजाई प्लस बैक्टीरिया, ठीक है। इसे डिग्रेड करने के लिए जितने अमाउंट में आपके कंज्यूम करते हैं किसको, O2 को, उसे अपन कहते हैं क्या, BOD, क्या कहते हैं, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आप कहोगे किसी भी आपके सैंपल में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है तो फंजाई और बैक्टीरिया ज्यादा आएगा, और बैक्टीरिया और फंजाई ज्यादा आएगा, बैक्टीरिया और फंजाई ज्यादा आएगा तो इसमें आपके रेट ऑफ डिग्रेडेशन आपके क्या होगी, हाई होगी, तो कंजप्शन ऑफ O2 आपके क्या होगा, हाई होगा, तो इट मींस BOD आपके क्या होगा, हाई होगा, यानी कि हाई पॉल्यूशन आपके क्या है, हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाई डिग्रेडेशन, तो हाई कंजप्शन ऑफ O2, तो हाई आपके क्या है, BOD। तो BOD जो है वो इंडिकेटर हो गया है आपके किसका, वाटर पॉल्यूशन का, जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा उतना ही BOD आपके क्या होगा, हाई होगा, और जितना आपके वाटर पॉल्यूशन कम होगा उतना ही BOD आपके क्या होगा, लो होगा। ये आपका हो गया बेसिक। तो यहां आपके लगातार जो है फंगस और आपके क्या है, बैक्टीरिया लगातार ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो डिग्रेडेशन करके BOD जो है उसको बेटा क्या लाएंगे, लॉ लाएंगे, BOD को आपके क्या करेंगे, कम करेंगे, तो BOD ऑफ इफ्लुएंस बिकम डिक्रीज। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप कहोगे क्या, कंसिडर द गिवन डायग्राम इन रिलेटेड टू द गिवन प्रोसेस, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट इन इंडिया, दीज प्रोजेक्ट, सही है, डेवलप किए जाते हैं किससे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, बिल्कुल सही है। इन दिस एरोबिक डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूस बायोगैस, एरोबिक नहीं होता बेटा, एनएरोबिक होता है। फिर है एज रॉ मटेरियल मेनली कैटल्स डंग एंड अदर सेल्यूलोजिक डोमेस्टिक वेस्टेज यूज, बिल्कुल सही है। फिर आप कहोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, बिल्कुल सही है। ए ग्रुप ऑफ आर्किबैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, मिथेनोजेंस होते हैं, बिल्कुल सही है। इन इंडिया दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली यूज इन अर्बन नहीं होता है, आपके काय में विलेज एरियाज में होता है बेटा, तो ये आपके क्या है, रॉन्ग है। तो हाउ मनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2, 3 और 4, तो करेक्ट जो है वो आपके कितने हैं, 4। फिर है फिजिकल रिमूवल, तो ये तो आपको आता ही है फिजिकल रिमूवल, जिसमें आप क्या है, फिजिकल रिमूवल जो है उसमें अपन क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल रिमूवल जो है इसमें आप क्या बोलते हो, यहां आप जो है वो आपके करते हो क्या, सेडिमेंटेशन प्लस अपन यहां क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन करते हैं और आपके क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, तो इसको अपन कहते हैं क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके कैसा होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। यहां एक अच्छा क्वेश्चन, विच इज मिसमैच्ड हाइब्रिड वेराइटी ऑफ देयर डिजीज रेजिस्टेंस, यहां देखो पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस, सही है, पूसा कॉमल जो है वो आपकी किसके लिए है बेटा, चिली मोजेक के लिए नहीं है, किसके लिए है, बैक्टीरियल ब्लाइट, क्या होगा, बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। तो यहां ये जो है ये आपके रॉन्ग है, हिमग्री सही है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, पूसा सदाबहार टोबैको मोजेक वायरस, ये भी आपके क्या है, सही है। नेक्स्ट अपन बेटा बात करें तो फिर आप कहोगे क्या, वेरिएशंस ऑब्जर्व ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर ऑफ सम प्लांट्स आर नॉन एच, देखो आप टिश्यू कल्चर में जो भी आपके क्या बनता है, जो भी आपके क्या है प्लांट्स बनते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स, जनरली इनमें आपके क्या है, वेरिएशंस नहीं होती, और अगर इनमें कोई वेरिएशंस आती हैं तो इनको अपन कहते हैं क्या, सोमोक्लोनल वेरिएशंस, क्या बोलते हैं बेटा, सोमोक्लोनल वेरिएशंस, ये आपकी सीधा NCERT में दिया हुआ है, तो इनको अपन क्या कहते हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशंस।
नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो फिर आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ऑफ द फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। तो ये सीधा आपके एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के चैप्टर में दिया हुआ है, फॉस्फोरस के आपके काय को एब्जॉर्प्शन जो है उसको आपके कौन करता है, ग्लोमस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज कैपेसिटी, कौन करता है इस कैपेसिटी को इंक्रीज, ग्लोमस। नेक्स्ट जो है ये भी आपके एनसीईआरटी का सीधा क्या है, डायग्राम है, जिसमें एक्स एक्सिस पे बेटा अपन किसको रखते हैं, टेम्परेचर को, और वाई एक्सिस जो है इस पे आपकी आती है क्या, एक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। क्या आती है, एक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। अब एक चीज यहां ध्यान रखना, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है बेटा। कैसे होती है बहुत ज्यादा इफेक्ट, अगर आप क्या है टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो एंजाइम जो है उसका आपके क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन, और अगर टेम्परेचर कम कर देते हो तो एंजाइम जो है वो आपके क्या हो जाता है, इनएक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना, मेरे यहाँ पे एक एग्जाम्पल इससे याद आ गया, रेस्पिरेशन में अपन बात करते हैं कि शिमला का जो आलू होता है वो जनरली क्या होता है, मोटा होता है। क्यों, क्योंकि वहां टेम्परेचर आपके क्या है, कम है, इसीलिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण आपके क्या है जो सुगर है उसका ज्यादा आपके क्या है, डिग्रेडेशन आपके नहीं होता है। इसीलिए शिमला का आलू जो है, या आप कह सकते हो कि वहां रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आपके क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए क्यों कम होगी, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो आपके क्या है, इनएक्टिव है, इसीलिए शिमला का आलू जो होता है वो आपके क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए, करते मिलान, नाइट्रोजिनस बेस जो है वो आपके कौन है, एडेनिन। ठीक है, तो यहां आप क्या जाएगा, फोर। दूसरा है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपके कौन है, साइटेडिन। तो यहां बेटा आप क्या जाएगा, क्या, थर्ड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपके क्या है, थाइमिडाइलिक एसिड, तो यहां आप क्या जाएगा, क्या, सेकेंड। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके क्या है, डीएनए, तो यहां हो जाएगा आपके फर्स्ट। तो आपके 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो यहां आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन है, न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपके कौन है, साइटोडेन, साइटिडेन, न्यूक्लियोटाइड जो है वो थाइमिडाइलिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेटा आपके क्या है, डीएनए। आ रही है बात समझ में, तो यहां जो है वो आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रायो। भाई आपके क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो कहां तक, सीधा एनसीईआरटी आपके कहती है ग्लोब्यूलर स्टेज तक बेटा आपके क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद मोनोकॉट का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट अलग चलता है और डाइकॉट का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट अलग चलता है। देखो फिर आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी आपके क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके किसका, फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, और ये फ्रूट्स जो है वो आपके क्या होते हैं, सीड लेस होते हैं। तो फर्स्ट का आपके क्या जाएगा बेटा, थर्ड। ठीक है, पॉली एम्ब्रायोनी मोर देन वन एम्ब्रायो इन सेम सीड, तो ये इसका आपके क्या हो जाएगा, सेकंड। एपोमिक्सिस, सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसका आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस जो है उसमें आप क्या कहोगे, एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम ए सोमेटिक सेल, तो इसका आपके क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, और फिर आपके क्या है, फोर्थ, तो ये आ जाएगा आपके सेकेंड। नेक्स्ट जो है अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव सीथ कवरिंग। देखो कॉलियोप्टाइल जो है वो आपके होता है किसके ऊपर, प्लीम्यूल के ऊपर, जबकि कॉलियोराइजा जो है वो आपके किसके ऊपर होता है, रेडिकल के ऊपर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है वो बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, यहां आपको डायग्राम दिया गया है, द गिवन डायग्राम शोज द ओवरी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ओवरी को दर्शा रहा है, After fertilization, many structures undergo changes to produce parts of fruit and seed. यानी कि fertilization के बाद इससे various structure जो हैं, वो आपके काय में fruit और seed में आपके क्या करती हैं, various part क्या करती हैं, produce करती हैं. Which part of the diagram labeled with will form fruit wall? देखो fruit wall जो है वो बेटा आपके कौन बनाएगी, इसको पहले अपन note कर लेते हैं, ये क्या है, stigma. ठीक है, ये क्या है, ओवरी स्टाइल, और ये बेटा आपके क्या है, ओवरी, ये पार्ट जो है वो आपके क्या है, पूरा ओवरी। तो ये थ्री जो है वो आपके क्या हो जाएगी, ओवरी वॉल। ठीक है, फोर्थ जो है वो आपके क्या है, ओव्यूल, ये आपके क्या है,
ओव्यूल, और ओव्यूल का भी बेटा आपके क्या है, इंटेगुमेंट। क्या दे रखा है ये, इंटेगुमेंट, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो आपको दे रखी है क्या, एग सेल, ये आपके दे रखी है क्या, एग सेल। सिक्स जो है वो आपकी क्या है, सेंट्रल सेल या पॉलर न्यूक्लियाई, ये आपके क्या है, पॉलर न्यूक्लियाई। और सेवंथ जो है वो आपके क्या है, एंटीपोडल। ये चीजें आपको ऐसे आती हैं बेसिक्स, अगर आपकी क्लियर है तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। अब पूछते रहो, फ्रूट वॉल जो है वो किससे बनेगी, ओवरी वॉल से बनेगी, तो ओवरी वॉल आपकी कौन सी है, थ्री, तो ये आपके हो गया थ्री। फिर है आपके, फिर आपके क्या है, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो आपके कौन बनाएगा बेटा, एग सेल, तो एग सेल आपके कौन सी है, ये लिखी हुई पांचवी, तो ये हो गया। फिर एंडोस्पर्म जो है वो आपके कौन बनाती है, पॉलर न्यूक्लियाई, तो सिक्स हो गया। सीड कोट, भाई आपके क्या है, ओव्यूल जो है वो आपके किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, तो ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स जो है वो आपके क्या बनाएंगे, सीड कोट, तो ये दे रखा। फोर्थ जो है ओव्यूल, इसके इंटेगुमेंट, तो आंसर आपके हो जाएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, निम्न में से कौन सा कारक बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, टेम्परेचर, लेकिन फोटो पीरियड आपकी जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि फोटो पीरियड लाइट का वो ड्यूरेशन है जो फ्लावरिंग के लिए आपके क्या है बेटा, एसेंशियल है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपके काय के बारे में, विच इज राइट अबाउट टू सीड, भाई आपके सीड के लिए क्या सही है, ऑर्किड फ्रूट्स कंटेन अबाउट 1000 सीड सही है, और ये जो है वो आपके कैसे होते हैं, टिनी सीड्स होते हैं। सी जो आपको दिया गया है, डेट पाम रिप्रेजेंट वायबिलिटी इन सीड्स अप टू 10,000 ईयर, ये आपके किसके लिए होता है, फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा के लिए, तो ये आपके क्या है, रॉन्ग है। सीड्स आर फाउंड इन फाइकस, पाइनस एंड टेरिडियम, इनमें तो आपके सीड हो ही नहीं सकता, पाइनस और आपके किसमें, भाई आपके टेरिडियम जो है उसमें सीड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी आपके क्या है, रॉन्ग है। तो आपके कौन सा, ए एंड बी आपके क्या है, सही है। फिर आप कहोगे क्या, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये सीधा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, 250 ग्राम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन इन सेम टाइम पीरियड, व्हेन 250 केजी काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके कौन से हैं बेटा, मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस, तो ये आपके हो जाएंगे मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस। नेक्स्ट जो है वो आपके कह रहा है क्या, वही सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एज अकॉम्प्लिस्ड बाय, भाई आप क्या कहते हो, पोमेटो और टोमेटो, इनका आपने क्या करवाया, टोमेटो, इनका आपने क्या करवाया, इनके आपने क्या लिए, प्रोटोप्लास्ट लिए, और इनके प्रोटोप्लास्ट जो है उसको फ्यूज करवा के आपने क्या बनाया था, पोमेटो, क्या बनाया था बेटा, पोमेटो। तो ये पोमेटो जो हुआ वो आपके काय से हुआ, जो प्रोटोप्लास्ट है ये दोनों अलग अलग आपके किसके हैं बेटा, स्पीसीज के हैं, तो यहां फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू स्पीसीज। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फ्रॉम फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ, जया तथा रत्ना भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई, ये आपके किस्में है, किसकी किस्में है बेटा, ये राइस की, ठीक है। जया रत्ना हो गई, आई आर 8 हो गई, फ्यूचिंग नेटिव फर्स्ट हो गई, ये सब आपकी किसकी थी, चावल की। फिर है आपके क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, परभनी क्रांति इज ए वेराइटी ऑफ लेडी फिंगर, जो कि रेजिस्टेंट है, किसके लिए रेजिस्टेंट है ये, भाई आपके ओकारा यांडी की भिंडी की आपकी प्रजाति थी, जो येलो मोजेक वायरस जो है उसके लिए आपके क्या है, रेजिस्टेंट है। सीधा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, फिर कह रहा हूं सीधी सीधी जो बात की गई है बेटा, कहां से की गई है, एनसीईआरटी से, ठीक है। लाइन टू लाइन अपन ने एनसीईआरटी की उठाई है और उसका पोस्टमार्टम किया है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्यों, क्योंकि अपन को पीएमटी करना है, पीएचडी नहीं। नेक्स्ट जो है वो आपको दे रखा है क्या, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था उसका डीएनए जो रिप्रेजेंट करता है वो बेटा किसको करता है, बीडीएनए को, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है काइटिन, ये आपके दे रखा है एनसीईआरटी में, काइटिन जो है वो केमिकली आपके क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, कौन, ग्लूकोसेमाइन, तो ये आपके जो भी आपके ऑप्शन दे रखा है
एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो आप कहते हो क्या, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय, भाई आप क्या कहते हो, जैसे ये आपके क्या है पैरेलल चलते हैं, तो यहां आप क्या कहते हो, ए डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ और सी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, जी के साथ। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपके कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो फिर आप कहोगे क्या, द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ, देखो डीएनए और आरएनए में सिमिलरिटी क्या है, तो आप ऑप्शन से पढ़ें, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है, और ऑलवेज आर ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, नहीं आरएनए आपके डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, हैव सिमिलर काइंड ऑफ सुगर, नहीं एक में आपके राइबोज सुगर है एक में डीऑक्सी राइबोज सुगर हैव सिमिलर टाइप ऑफ पिरामिडिन्स, नहीं एक में तो आपके क्या है टी है और एक में टी की जगह आपके क्या पाया जाता है बेटा यू, तो आपके क्या है सही जो है वो आपके कौन सा है फर्स्ट। फिर है आपके क्या, देखो चारगाफ रूल स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनिज, देखो ये सबसे पहले तो डबल स्टैंडर्ड किसके लिए लागू होता है, डीएनए के लिए, ठीक है। ये आपके कहता है कि प्यूरीन जो है वो बराबर होता है किसके, पिरामिडीन के, यानी कि ये भी 50% होता है और ये भी 50% होता है, ये दोनों 50-50% है, तो प्यूरीन आपके कौन कौन है, ए और जी, और यहां आपके पाया जाता है क्या टी और सी, तो ये डबल बॉन्ड बनाता है इसके साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इसके साथ। तो ये यही कह रहा है, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू दैट ऑफ थायमिन, ए डबल बॉन्ड टी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन, जी का अमाउंट जो है वो इक्वल होगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट जो है वो आपके कह रहा है क्या, एग एपरेटस, एग एपरेटस में एक तो आपके क्या होती है बेटा एग सेल, ठीक है, और दो आपके क्या होती हैं सिनर्जिड्स, क्या होती हैं सिनर्जिड्स, ठीक है, तो आपके एग सेल है और दो आपके क्या हैं सिनर्जिड्स, तो एग सेल प्लस टू आपके क्या होंगी सिनर्जिड। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो बेटा दिया गया है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल बैरियर इन बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इट कैन, देखो आपकी क्या है ये आपके, आपको पता भी होगा फिजिकल बैरियर्स जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें मेल और फीमेल के बीच में फिजिकल बैरियर्स अगर होता है तो ये एडेप्टेशन होता है आपके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए और ये प्रिवेंट करता है किसको, ओटोगेमी को, इसको अपन कहते थे क्या हर्कोगेमी, ध्यान रखना। आप क्या कहोगे, इफ फिजिकल बैरियर प्रेजेंट किसमें, इन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसको बेटा अपन कहते हैं क्या, बताओ क्या कहेंगे इसको, हर्कोगेमी, क्या कहोगे हर्कोगेमी, और ये हर्कोगेमी जो है वो आपके एडेप्टेशन है किसके लिए, बताओ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, किसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो ये आपके प्रिवेंट्स करेगी किसको, सीधी सी बात हो गई ओटोगेमी को, ठीक है, तो ये प्रिवेंट्स आपके करेगी किसको ओटोगेमी को, आ गई बेटा बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़े, देखो क्वेश्चन कोई भी करो आप उसका सारा कॉन्सेप्ट जो है सारा निचोड़ जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा, तो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं बेटा, देखो क्या कहोगे, इफ द प्लांट इज डायोसियस इट प्रिवेंट्स, प्लांट ही पूरा कैसा है डायोसियस है, यानी कि या तो ये आपके क्या है इसमें क्या है, या तो ये मेल है या ये आपके क्या है फीमेल, तो तीन टाइप का आपको पॉलिनेशन दे रखा है क्या, अगर आपके सेम प्लांट और सेम फ्लावर हो तो ओटोगेमी हो जाएगी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर हो तो जिटोनोगेमी हो जाएगी, और डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर हो तो आपके क्या हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां तो प्लांट जो है उस पर आपके सेक्स ही एक है, या तो मेल है या फिर आपके क्या है फीमेल है, तो ये आपके ओटोगेमी को भी रोकेगा और जिटेनोगेमी को भी प्रिवेंट्स करेगा, तो ये आपके क्या है इट प्रिवेंट्स किसको करेगा बोथ ओटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपको कॉलम जो है वो आपके क्या करना है मैच करना है, कर लेते हैं कॉलम मैच आपके, सबसे पहले जो है वो आपको दे रखा है क्या कैलिक्स, कैलिक्स जो है वो आपके क्या करेगा प्रोटेक्शन, तो फर्स्ट का आपके क्या हो गया सेकेंड,
दूसरा कोरोला या अट्रैक्शन का काम करेगा, क्योंकि आपके क्या होता है, कलरफुल होता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ आपके थर्ड आ जाएगा। स्टेमन जो है वो आपके क्या है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो सी जो है उसका आपके क्या हो जाएगा, फोर्थ। और कार्पल जो है वो आपके फीमेल गैमेट आपके क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो इस पे आपके आ जाएगा फर्स्ट। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आपके फर्स्ट, आपके आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये आपके सीधा एनसीईआरटी का है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेयर्स विच आर करेक्टली मैच्ड। आयरन जो है वो आपके बथुआ में होता है, सही है। प्रोटीन आपके लबलब में होता है, सही है। विटामिन सी मस्टर्ड में दिया हुआ है और कैल्शियम जो है वो बथुआ में दिया हुआ है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही आपके क्या है, सही है। तो आंसर जो है बेटा आपके क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्या, पूसा सुब्रा इज ए वैरायटी ऑफ, तो सीधा टेबल में दिया हुआ है। पूसा सुब्रा जो है वो आपकी किसकी वैरायटी है, कॉलीफ्लावर, यानी कि आपके फूल गोभी की। नेक्स्ट जो है देखो, वाव क्या क्वेश्चन है, शानदार। हिडन हंगर, ऐसे लोग जो खाना आपके क्या करें, सफिशियंट खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आपके काय की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की आपके क्या है, कमी है। इन लोगों को अपन कहते हैं क्या, हिडन हंगर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है हिडन हंगर ऑफ पीपल रिलेटेड विद, तो आपके क्या इससे रिलेटेड है, जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी क्या है, आपकी डेफिशिएंसी है, या प्रोटीन वगैरह की आपके क्या है, विटामिन और प्रोटीन्स की आपके क्या है, डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, सही है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स इन बॉडी, ये भी सही है। इसीलिए बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा ऐसी वेराइटीज का डेवलपमेंट किया गया जिनमें वेरियस विटामिन थे, जिनमें वेरियस आपके क्या थे, जिनमें आपके क्या थे, प्रोटीन्स थे, वेरियस में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या थे, प्रेजेंट थे, जिसको आपने कहा था बायोफोर्टिफिकेशन, आया ध्यान। तो उसके द्वारा आपके क्या है, तो ये हिडन हंगर जो है रिलेटेड है डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स इन बॉडी, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स इन बॉडी। ये फिजियोलॉजिकल आपके क्या हो जाते हैं, जो भी कॉजेज जो है वो आपके फैक्टर हो जाते हैं। तो ये नहीं आएगा, तो कौन से होंगे, बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट जो है वो अगर अपन बात करें तो फिर आपको दिया हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड इन बोटल्ड फ्रूट जूस इंडस्ट्री। देखो इनमें से आपको क्या है, बोटल्ड फ्रूट इंडस्ट्री, जूस इंडस्ट्री में किसको, प्रोटीएज और पेक्टिनेज को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि रेसे जो है उनको आपके क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है, जिससे आपके क्या है, बोटल पैक्ड जो जूस होते हैं वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और आपके फाइबर लेस होते हैं। तो यहां बेटा आपके आ जाएगा क्या, प्रोटीएज और पैक्टिनेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एनसीईआरटी का सीधा स्टेटमेंट है, सैकरम बारबरी वाज ओरिजिनेट इन, कहां होता है ये, नॉर्थ इंडिया में, किसमें होता है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। बट हैज, ये आपके क्या रखता है, पुअर सुगर कंटेंट, ठीक है। तो यहां हो जाएगा नॉर्थ इंडिया और इसमें सुगर का कंटेंट जो है वो आपके क्या है, पुअर। फिर आपके दिया हुआ है, पॉलन्स आर कंसिडर्ड एज वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो पॉलन जो है उसमें आपके क्या है, एग्जाइन जो है उसमें एक आपके मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है क्या, स्पोरो पॉलेनिन, ठीक है, स्पोरो पॉलेनिन। ये जो है वो आपके काय के लिए, टेम्परेचर, ठीक है, हीट, रेडिएशन, केमिकल्स, इन सब के लिए आपके क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। और इसीलिए आपके क्या है, लंबे टाइम तक जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फॉसिल्स में आपके प्रिजर्वेटिव फॉर्म में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये स्पोरो पॉलन आपके पाया जाता है बेटा किसमें, एग्जाइन में। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म पॉलन मदर सेल्स थ्रू, किसके थ्रू बनती है बेटा, मियोसिस के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू बनेगी, मियोसिस। और मियोसिस के थ्रू यहां आपके बनेगा क्या, यहां आपके फॉर्म होंगे माइक्रोस्पोर, क्या फॉर्म होंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। फिर अगर इन माइक्रोस्पोर्स की आप बात करते हो तो ये आपके माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज इन द माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में, ये आपके क्या होंगे, अरेंज होंगे। और माइक्रोस्पोर चेंज इनटू द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन में आपके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मिला लो साहब, मियोसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राड और आपके पॉलन ग्रेन्स, ठीक है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर बेटा आप क्या कहोगे, देखो मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है, मैच करना है। पिस्टिल्स अगर एक साथ फ्यूज हो तो इसको अपन कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। तो फर्स्ट का आपके हो जाएगा बेटा थर्ड। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये आपके कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, तो इसका आपके हो जाएगा फर्स्ट। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो आपके है पॉलन से एक, तो सी का आपके हो जाएगा क्या फोर्थ। फिर डी है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है वो पिस्टिलेट होता है, ये आपके हो जाएगा क्या सेकंड। तो थर्ड फर्स्ट आपके क्या है, बात करें अपन थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, तो आंसर आपके आ जाएगा कौन सा फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपको दिया हुआ है क्या, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक द फंक्शनल मेगा स्पोर। देखो फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है इसमें पहला आपके क्या होता है माइटोसिस, पहले माइटोसिस से आपके दो न्यूक्लियस का क्या होता है फॉर्मेशन। फिर आपके होता है माइटोसिस सेकंड, क्या होता है माइटोसिस सेकंड, जिससे आपके बन जाते हैं दो से चार, ठीक है। फिर आपके हो जाता है क्या माइटोसिस थर्ड, और माइटोसिस थर्ड जो है उससे आपके कितने एक दो तीन चार, चार से आपके क्या बन जाएंगे आठ, और फिर एक साथ आपके साइटोकाइनेसिस होके सेवन सेल एट न्यूक्लियट आपके क्या है पॉलीगोनम टाइप का क्या बनता है एम्ब्रायो सैक। तो ये पूछ रहा है इस फंक्शनल जो भी आपके क्या है मेगा स्पोर जो है इसमें कितने माइटोसिस हुए, वन टू और थ्री, तो आपके क्या होते हैं थ्री माइटोटिक डिविजन्स। तो कहां दे रखा है ये रहा थ्री माइटोटिक डिविजन्स। नेक्स्ट जो है वो आपको दे रखा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पोरोपोलेनिन इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन स्पोरोपोलेनिन के संदर्भ में जो है वो आपके क्या है बेटा गलत है, तो इस गलत कथन को आपको छांटना है। तो आपके कह रहा है एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, सही है, एग्जाइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से क्या होती है निर्मित होती है। फिर आप कहोगे स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी आपके क्या है सही है। फिर आप कहोगे एग्जाइन हैज अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स, बिल्कुल कहा जाता है जहां से पोलन ट्यूब निकलती है, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट, प्रेजेंट ही होता बेटा एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी बिल्कुल आपके क्या है सही है। तो इनकरेक्ट या फॉल्स जो है वो आपके कौन सा हो गया बेटा थर्ड, तो यहां आंसर जो है वो आपके हो जाता है थर्ड। इसके अलावा यहां आपके क्या है इंपॉर्टेंट दिया हुआ है आइडेंटिफाई द साइनोबैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एनाबीना आपके फिक्स कर सकता है, नॉस्टोक कर सकता है, ऑसिलेटोरिया कर सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी करता है, डिप्लोकोकस निमोनिया निमोनिया कॉज करता है, तो यहां आपके हो जाएगा क्या ए बी और डी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया गया है क्या, ये जो है वो आपके एप्पल और स्ट्रॉबेरी दिए हुए हैं, ये आपके क्या है फॉल्स फ्रूट हैं, जो कि आपके थैलेमस से क्या होते हैं डेवलप होते हैं, तो ये आपके डेवलप होते हैं किससे थैलेमस से, और ये बेटा कौन से फ्रूट हैं फॉल्स फ्रूट, कौन से फ्रूट हैं बेटा फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट जो है उसमें आप कहोगे क्या सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन ब्लो, ठीक है इसमें से आपके क्या है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना है। बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग लेडीबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर बायो कंट्रोलर एजेंट, लाल व काले चिन्ह युक्त लेडीबर्ड बीटल तथा ड्रैगन फ्लाई जैव नियंत्रित कारक हैं, बिल्कुल सही है। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजेंस देन अटैक ऑन आर्थ्रोपोड्स, बिल्कुल सही है। बैक्यूलो वायरस इंक्लूडेड इन जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस, बिल्कुल सही है। बैक्यूलो वायरस आर नॉट इंक्लूडेड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, नहीं साहब ये आपके क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो बैक्यूलो वायरस को जैव नियंत्रक कारक के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये आपके क्या है गलत है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपके कौन सा हो गया बेटा फोर्थ। फिर है आपके देखो डोसा एंड आपके क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, आपके वापस आपके क्या है चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। डोसा एंड इडली, इडली डफ फर्मेंटेड बाय फंजाई, एनसीईआरटी कहती है फंजाई नहीं है क्या है बैक्टीरिया, क्या है बेटा बैक्टीरिया, ठीक है तो ये आपके क्या हो गया रॉन्ग। बियर एंड वाइन सिंथेसाइज बाय डिस्टिलेशन, नहीं इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज में नहीं होता। लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है तो आपके क्या है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये आपके क्या करता है
रोकता है, ये सही है। द रॉकी फॉर्टी चीज आर राइपन्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन द पेनिसिलियम रॉकी फॉर्टी, ये भी सही है। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, ये भी आपके क्या है, सही है। तो यहां आपके राइट जो है वो आपके कौन से हैं बेटा, सी डी एंड ई। फिर देखो आप क्या कहोगे नेक्स्ट, द स्पेंड स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज। देखो एक तरफ से आप डंग प्लस आपके क्या डालते हो, H2O डालते हो, इसको अपन क्या है डाइजेस्टर में जाता है, डाइजेस्टर में जाके इसका आपके क्या है बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, ये बायोगैस गैस होल्डर में जाएगी, गैस होल्डर में जाके फिर आपके क्या है एग्जिट पाइप से इसको आपके क्या कर दिया जाता है बेटा, सप्लाई कर दिया जाता है। बाकी बचा हुआ जो भी आपके क्या है स्लरी मटेरियल है वो आपकी फर्टिलाइजर की फॉर्म में बेटा आपके क्या आता है, काम में आता है, तो उसको एज ए फर्टिलाइजर अपन क्या करते हैं यूज लेते हैं। फिर है हेयरी लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद, भाई आपके क्या है हेयरी लीव्स जो है वो आपके क्या है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है और ये रेजिस्टेंट शो करते हैं किसके लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए, सही है। तो ये आपके रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। नेक्स्ट जो है वो है बेटा एम्फीमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय, देखो एम्फी, एम्फी मीन्स होता है आपके क्या है, एम्फी मीन्स है आपके क्या बोथ, और यहां मिक्सिस का मतलब आपके होता है क्या मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, क्या होता है मिक्सिंग ऑफ गैमेट, मिक्सिंग ऑफ गैमेट, ठीक है। तो यहां आपके क्या है दोनों गैमेट्स जो है उनका आपके क्या होगा फ्यूजन। नेक्स्ट जो है देखो यहां भी आपको नाम से ही पता करना है, ए गैमोस्पर्मी, देखो ए गैमोस्पर्मी, क्या ए गैमोस्पर्मी सीखना आप, ए मीन्स आपके क्या है एब्सेंट है, गैमो मीन्स आपके क्या है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट, और स्पर्मी मीन्स है आपके क्या फॉर्मेशन ऑफ सीड, क्या है फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है। तो यहां आप क्या कहोगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट गैमेटिक फ्यूज, क्योंकि एम्ब्रायो बनेगा तभी तो आपके क्या बनेगा सीड बनेगा, तो यहां आपके क्या है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप क्या कहोगे, देखो पॉलिनेशन अकरिंग क्लोज फ्लोवर, तो क्लोज अगर आपके है तो क्लोज जो है इसको अपन कहते हैं क्या बोलो क्लिस्टोगेमस, और क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है उसमें आपके क्या होता है ओटोगेमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और इस पॉलिनेशन को अपन कहते हैं क्या बर्ड पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ फ्लावर कभी आपके खुलते ही नहीं है या इनके खुलने से पहले ही इनमें पॉलिनेशन हो चुका होता है, तो बंद पुष्पों में आपके क्या है बर्ड पॉलिनेशन आपके क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। फिर आप कहोगे इन डाइकॉट द मोस्ट कॉमन पॉलन टेट्राड, कौन सा पाया जाता है डाइकॉट्स में, टेट्राहेड्रल, चतुष्क व्यवस्था होती है जिसमें थ्री पॉलन ग्रेन्स जो है या थ्री माइक्रोस्पोर जो है वो एक प्लेन में होते हैं और चौथा जो है वो आपके कहां होता है पीछे, जिसको अपन ऐसे बनाते हैं, ध्यान होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है क्या ए मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू फॉर्मिंग द बल्क ऑफ ओव्यूलेज, भाई आपके क्या है पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो ओव्यूल का बल्क बनाता है उसको अपन कहते हैं क्या न्यूसिलस, क्या बोलते हैं बेटा न्यूसिलस। नेक्स्ट जो है वो आपके क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है वही एनसीईआरटी से रिगार्डिंग लैक्टिक एसिड, इट इज ए कॉमन एग्जाम्पल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, बिल्कुल सही है साहब, लैब इज प्रोड्यूस एसिड दैट कॉगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड इन फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब, ये भी सही है, और एट द सुटेबल टेम्परेचर लैब जो है वो आपकी मल्टीप्लाइज करेगा, ये भी आपके क्या है सही है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों स्टेटमेंट बेटा आपके क्या है सही है। नेक्स्ट अपन बात करें सीधा सीधा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो है वो आपके क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड आर डिसगाइनिस फ्रॉम द कोफैक्टर दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, ये आपके क्या होते हैं ऑर्गेनिक क्या है कंपाउंड है जो एपोएंजाइम के साथ टाइटली आपके क्या होते हैं बाउंड होते हैं,
तो आपके आ जाएगा कौन सा, फोर्थ। फिर जो है वो आप कहोगे क्या, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन ब्रॉथ विल प्रोड्यूस, यानी कि डिस्टिलेशन किस किस के काम में आता है, तो वाइन और बियर जो है वो तो विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं, ब्रांडी, विस्की और रम, ये आपके कहा से डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं, तो यहां आपके हो जाएंगे क्या, ए सी और डी, यहां आपके आंसर आ जाएगा ए सी और डी। नेक्स्ट अपन बात करें तो फिर आप कहोगे मैच द कॉलम, एस्परजिलस नाइगर जो है उससे आपके बनाया जाता है बेटा सिट्रिक एसिड, तो यहां आपके आ जाएगा ए। एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनाया जाता है एसिटिक एसिड, तो यहां आपके हो जाएगा सी। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से आपके ब्यूटाइरिक एसिड प्राप्त होता है, तो ये आपके आ जाएगा कौन सा, डी। और लैक्टोबैसिलस जो है उससे लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है, तो यहां आ जाएगा बी। तो ए सी बी डी किस में दे रखा है बताओ, ए सी बी डी, ए सी बी और डी, तो यहां आ जाएगा आपके सेकेंड। नेक्स्ट जो है वो आपको दे रखा है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स आई आर आई और के वी आई सी जो है उसका आपको विस्तारित रूप बताना है। तो आई आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, के वी आई सी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, पक्का बेटा। तो देखो यहां आप कहोगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है बेटा। तो आपको सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो सारे के सारे बेटा क्या हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। तो ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, 1% आपको दिक्कत नहीं आनी है। ए नॉर्मल प्लांट, कोई भी आपके क्या था, एक नॉर्मल प्लांट था, सडनली बिगिन्स मल्टीप्लाइंग पार्थेनोजेनेटिकली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सेकेंड वायबल जनरेशन एज कंपेयर टू द पेरेंट विल बी। देखो यहां आपके क्या कह दिया है, पार्थेनोजेनेटिकली, अब पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है तो इसमें आपकी प्लॉइडी जो है उसमें आपकी कोई भी चेंज नहीं होगा, या क्रोमोसोम का नंबर बेटा आपके क्या रहना है, सेम रहना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है ए नेचुरल सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, तो आपके क्या है, एंजियोस्पर्म जो है इसमें बेटा सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो आपके क्या होगा बताओ, सबसे पहले यहां आपके होता है क्या, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में आपके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड फॉर्मेशन होगा, और ये सीड बाद में आपके क्या होगा, जर्मिनेट। तो पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपके क्या होगा, जर्मिनेशन। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है क्या, कि इनका करेक्ट सीक्वेंस आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, सब कर देंगे। तो सबसे पहले आपके क्या होता है बताओ, पॉलिनेशन, तो सबसे पहले आपके क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन, ये एक नंबर पे आएगा। उसके बाद आपके क्या होता है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, ये आपके आ जाएगा दो नंबर पे। उसके बाद में आपके क्या होती है बताओ, मेल गैमेट आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, मेल गैमेट रिलीज होने के बाद में आपके क्या होगी, सिनगेमी, और सिनगेमी होने के बाद में आपके क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, तो फिर आपके आ जाएगा कौन सा, पांच नंबर पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आप इनकी करेक्ट सीक्वेंस देखोगे तो पहले आपके होगा बी, फिर आपके होगा क्या, ई भाई, फिर आपके क्या होगा, ई, फिर आपके होगा डी भाई, आपके क्या है, सबसे पहले आपके होगा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में आपके क्या है, ई होगा, फिर थर्ड नंबर पे आपके क्या होगा, डी, फिर आपके फोर्थ नंबर पे आपके होगा एफ, और फिर आपके क्या है, लास्ट जो है उसमें आपके क्या होगा, सी। तो यहां सीक्वेंस हो जाएगा बी ई डी एफ और सी, तो यहां आंसर आपके आ जाएगा क्या बेटा, सेकेंड। फिर जो है वो आपके क्या है, देखो नेक्स्ट आपको देता है ये आपके क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, नेक्स्ट जो है वो आपसे बात कर रहा है काहे की, फिलीफॉर्म एपरेटस की, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो स्पेसिफिक केमिकल्स जो है वो आपके क्या करवाता है, सीक्रेट करवाता है, ये आपके स्पेसिफिक केमिकल आपके क्या करवाता है, सीक्रेट करवाता है, जो आपके अट्रैक्ट करता है किसको, अट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है उसको आपके क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसको अपन कहते हैं क्या, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको,
कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। बेसिक जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए बेटा, इसको अपन क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ब्रिगेंस ये आपके ब्रिंग्स अबाउट द ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब ना, गाइड पोलन ट्यूब फ्रॉम द सिनर्जिड्स टू एंटीपोडल कोई मतलब ही नहीं है, हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, यानी कि आपके क्या है, जो आपके क्या है पोलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री को आपके गाइड करेगा, किसमें गाइड करेगा, सिनर्जिड्स में आने में। आ रही है बात समझ में? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके क्या, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि क्लिस्टोगेमी आपकी होती क्या है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आपके वो होते हैं जो कभी भी आपके ओपन नहीं होते, तो ये आपके क्या है ओपन नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स यहां इनमें आपके क्या मिलेगी बेटा, ओटोगेमी। ठीक है, क्या मिलेगी, ओटोगेमी, यानी कि ये आपके क्या है क्रॉस पॉलिनेशन जो है इनमें आपके नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन जो है इनमें बेटा आपके नहीं होगा। ठीक है, यहां क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आपके नहीं पाया जाता। तो यहां देखो ये आपके क्या कह रहा है, एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। भाई आपके क्या है, जब आपके फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन की आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपके नहीं हो सकती। सीड डिस्पर्सल इज मोर एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड, जब आपके खुल ही नहीं रहा है तो ये भी आपके क्या है, रॉन्ग है। ईच विजिट ऑफ पॉलिनेटर, बेटा पॉलिनेटर की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहां कह रहे हो सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पॉलिनेटर्स, बीज का जो निर्माण होता है, सीड का जो फॉर्मेशन होता है, वो पॉलिनेटर्स पे आपकी इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, तो इस पे पॉलिनेटर्स की जो डिपेंडेंसी जो है वो आपके क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये आपके इसका क्या है, एडवांटेज। ठीक है बेटा, तो आपको फिर मैं कह रहा हूं कि टोटल जो पेपर है वो बेटा आपके कैसा है, नीट ओरिएंटेड, नीट बेस्ड आपके क्या है बेटा पेपर है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्या है, कॉन्सेप्ट है। एकदम आप एनसीईआरटी बेस्ड आपके हो जाओगे ना बेटा, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आपके आनी नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप पोस्टमार्टम कर डालो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैंडेमिक के कारण पेपर जो है वो इतना हार्ड नहीं रहने वाला है। आपके क्या है डीसीएम चल रहा है, वो बेस्ट लेवल है, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट पेपर्स आपके क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, मोटिवेशन आपको मिल ही रहा है, रैंक्स आपकी आ रही है बढ़िया शानदार तरीके के, आपके अच्छे से डिजाइन जो है वो आपके क्या है, टेस्ट है। तो बढ़िया आप टेस्ट दें, खुद का इवोल्यूशन करें, उसके बाद में आप सॉल्यूशंस देखें जहां प्रॉब्लम है। आई होप टेस्ट आपके अच्छे हो ही रहे होंगे, फिर भी दिक्कत है तो आप सॉल्यूशंस देख लें, और बॉस जो है वो आपके साथ है ही, तो आपके क्या है इससे बेस्ट मोटिवेशन आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको क्या है एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्लांट इज अनइफेक्टेड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक आपके क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही आपके क्या है ऑप्शन है। यहां आप क्या कहते हो, कोई भी प्लांट पार्ट जो है वो आपके क्या है कंप्लीट प्लांट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहां आपके क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके क्या है मियोसिस की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ नहीं हो रहा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो यहाँ आपके क्या है रिकॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, रिकॉम्बिनेशंस नहीं होंगे तो यहाँ वेरिएशंस नहीं आएंगे, और जो आपके बनेगा, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो हूबहू आपके कैसा होगा, पेरेंट जैसा होगा, जिसको अपन कहते हैं क्या, क्लोन्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके क्या कह रहा है बेटा, सही कह रहा है। फिर है राइजोम ऑफ जिंजर सर्व्स एज द ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। राइजोम का नाम आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, ये आपके क्या है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है क्या स्टेम का, और ये भी आपके क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके क्या होता है, हेल्पफुल होता है। सही है, फिर है टोटी पोटेंशी ऑफ द सेल्स इनेबल्स यूज टू माइक्रो प्रोपगेट ऑफ टू प्लांट। यहां दो वर्ड आए बेटा, एक तो आया क्या टोटी पोटेंसी, एक आया माइक्रो प्रोपगेशन, दोनों का मतलब आप समझे। टोटी पोटेंसी जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, टोटी पोटेंसी जो है वो बेटा आपके क्या है एक आपके सिंगल सेल जो है इससे आपके क्या है कंप्लीट प्लांट फॉर्म होने की आपके क्या है जो कैपेसिटी है, कंप्लीट प्लांट बनने की जो क्षमता है उसको अपन कहते हैं क्या बेटा, टोटी पोटेंसी। इसके अलावा बहुत कम टाइम में प्लांट टिश्यू कल्चर से
बहुत अधिक मात्रा में आपके क्या है प्लांट जो है उनको आपके क्या करवाना डेवलप करवाना आपके क्या है माइक्रो प्रोपगेशन। इसको अपन कहते हैं क्या माइक्रो प्रोपगेशन। तो आप क्या कहोगे कि आपके क्या है टोटिपोटेंसी ऑफ द सेल, भाई एक आपके क्या है सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट का आपके क्या होना फॉर्मेशन इनेबल्स यू टू द माइक्रो प्रोपगेट ऑफ द प्लांट। तो बिल्कुल सही है, तो टोटिपोटेंसी जो है वो आपके क्या को माइक्रो प्रोपगेशन जो है उसको आपके क्या करती है बढ़ावा देती है, उसको आपके क्या करती है एनकरेज करती है, यानी कि उसको क्या करती है बढ़ाती है। तो यहां आपके फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी आपके सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट जो है बेटा बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है इस चीज को आप समझना। एक एंडोस्पर्म जो है वो आपके क्या है 6N है, तो पेरेंट जो है वो कैसे होंगे, देखो आप यहीं से ही ओरिजिनेट लें। 6N जो है सबसे पहले आप क्या कहते हो 3N आपके एंडोस्पर्म होता है, इसमें से 2N जो आपके क्या है 2N जो आता है वो तो आपके कहां से आता है फीमेल से, समझना आप कॉन्सेप्ट को, और जो N जो आता है वो आपके कहां से आता है मेल से, ठीक है। इट मीन्स यहां जो फीमेल है वो भी आपके क्या है 2N है, उसका कंप्लीट आ गया। मेल जो है वो आपकी क्या है 2N है लेकिन उसका क्या आया N आया। वैसे ही अगर इसका करें तो यहां आपके मेल जो है उससे आ रहा होगा आपके क्या भाई मेल जो है उससे आपके क्या हो रहा होगा 6N को अगर आप डिवाइड कर लें तो यहां से तो आ रहा होगा आपके क्या, यहां जो है उससे तो आ रहा होगा आपके क्या बताओ 2N, और यहां से आपके आ रहा होगा क्या 4N, तभी तो 6N होगा, ठीक है। तो फीमेल ने तो अपना पूरा का पूरा दे दिया, यानी कि फीमेल तो आपकी है ही कैसी 4N, ठीक है। लेकिन यहां मेल का आपके आधा आया था, तो मेल का आधा आया था तो मेल जो है वो आपके क्या है 4N है, और 4N से आपके क्या है बेटा 2N। तो यहां आप देख लें टेट्राप्लॉइडी तो आपके क्या है मेल है और टेट्राप्लॉइड ही आपके क्या है फीमेल, तो ये आपके क्या है मेल। वापस समझिए देखो इस कॉन्सेप्ट को, 3N आपके एक्चुअल एंडोस्पर्म होता है जिसमें से N मेल से आता है, 2N कहां से आता है फीमेल से, तो फीमेल का तो कंप्लीट आ रहा है, फीमेल होती भी कैसी है 2N, तो उसका कंप्लीट 2N आ जाता है। मेल होता तो 2N है लेकिन इसका मेल गैमेट जो है वो आपके कैसा होता है N होता है, तो उससे N पार्ट होता है, यानी कि मेल का आपके आधा आता है फीमेल का आपके कंप्लीट आता है। तो 6N 4N यहां से आ रहा होगा 2N यहां से, तो फीमेल का तो कंप्लीट आ रहा है तो फीमेल क्या है टेट्राप्लॉइड है, लेकिन मेल का आपके क्या आ रहा है आधा आ रहा है, तो 2N का डबल आपके क्या है 4N, तो दोनों ही आपके क्या है टेट्राप्लॉइड। तो यहां आंसर जो आप दोगे वो आप क्या दोगे टेट्राप्लॉइड मेल एंड टेट्राप्लॉइड फीमेल, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत बेटा नहीं आनी है, आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको क्या कह रहा है देखो, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो आपके जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आपके क्या होती है सिमिलर होती है किसके पेरेंट्स के, और इसको आपके कहा जाता है बेटा क्या क्लोन, तो इसको अपन क्या कहते हैं क्लोन, ठीक है। तो देखो बेटा एनसीईआरटी का सेम आपके क्या दिया गया डायग्राम दिया गया, ठीक है। इसको अपन पूरे को ही मैच कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में मैच किया हुआ है। ये ए जो है वो बेटा इसमें क्या है स्कूटेलम, क्या है स्कूटेलम, यहां आप कहोगे तो ये आपकी क्या है प्रोटेक्टिव लेयर है प्लीम्यूल की जिसको अपन कहते हैं कॉलियोप्टाइल, ठीक है। बी जो है वो आपके है सूट टिप, या इसको अपन कह देते हैं क्या प्लीम्यूल, ठीक है। सी जो है वो आपके क्या है एपीब्लास्ट, क्या है एपीब्लास्ट, यहां ये है कॉलियोराइजा, इधर ये रूट कैप है, ये रूट कैप है, और ये आपके क्या है रेडिकल, ठीक है, ये आपके क्या है रेडिकल, ठीक है। तो मिला लो ए जो है वो आपके क्या है स्कूटेलम, बी जो है वो आपके क्या है सूट टिप या सूट एपेक्स, इसी को ही अपन क्या कह देते हैं एपेक्स, सी जो है वो आपके क्या है एपिब्लास्ट, और डी आपके क्या है रेडिकल। इट मीन्स यहां राइट आपके हो जाएगा कौन सेकेंड। नेक्स्ट जो आपके कहो कह रहा है आपके क्या हाउ मनी पीएमसी पॉलन मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 80 मेल गैमेट, देखो बहुत शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है आपके, ये आपके क्या है
एक आपके क्या है, पीएमसी है, ठीक है। इसमें आपके क्या होगा, एक मियोसिस होगा, एक मियोसिस से आपके क्या बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर। क्या बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर। अब इनमें से एक माइक्रोस्पोर को आप लोगे, ठीक है, एक माइक्रोस्पोर को आप लोगे तो आगे ये क्या बनेगा बेटा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। और एक पॉलन ग्रेन में आपके कितने, दो क्या है, मेल गैमेट, टू क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। तो देखें आप, एक से चार तो माइक्रोस्पोर बने और एक माइक्रोस्पोर में दो आपके क्या है, मेल गैमेट। इट मींस यहां आपके टोटल क्या है, एट मेल गैमेट। क्या है, एट मेल गैमेट। किसमें भाई, एक पीएमसी जो है उससे चार माइक्रोस्पोर या एट मेल गैमेट बने, तो आपको क्या है, क्या कह रहा है, हाउ मनी पीएमसी। एक से आपके आठ बन रहे हैं तो 80 मेल गैमेट चाहिए, तो आपकी कितनी चाहिएगी, 10। एक से एक पीएमसी जो है उससे चार माइक्रोस्पोर और एक माइक्रोस्पोर जो है उससे दो मेल गैमेट, तो इट मींस एक पीएमसी से आपके कितने, एट मेल गैमेट बन गए, तो 80 आपको चाहिए, तो कितनी चाहिए आपको, 10 पीएमसी जो है वो आपके क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट आप कहोगे क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है भाई। आपके क्या है, पॉलन बैंक जो है, पॉलन आपके बैंक जो है, इनमें आपके होता है बेटा क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। यहां आपके किसमें, लिक्विड N2 जो है इसमें आपके -196 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पे आपके स्टोर किया जाता है, किसको, पॉलन ग्रेन्स को। तो स्टोर्ड पॉलन ग्रेन इन पॉलन बैंक्स रिक्वायर्स ए टेम्परेचर ऑफ, क्रायो प्रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, लिक्विड तो N2 होगी, -196 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो यहां -196 डिग्री टेम्परेचर पर N2 में इनको आपके क्या करवाया जाता है, प्रिजर्व करवाया जाता है, जिसको आपके कहा जाता है बेटा क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप कहोगे क्या, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी जो है उसको आपको क्या करवाना है बेटा, मैच करवाना है। आ रही है बात, सब बात समझ में। तो कॉलम ए और बी को अपन क्या करवाते हैं, मैच करवाते हैं। चलो, कॉलम ए जो है इसमें आपको दे रखा है मेगा स्पोरेंजियम, तो मेगा स्पोरेंजियम जो होता है, मेगा स्पोरेंजियम जो होता है बेटा वो आपके कौन होता है बताओ, ओव्यूल। कौन होता है, इसको बोलते हैं अपन, ये नाम किसका है, ओव्यूल का, ठीक है। उसके बाद में आप कहोगे क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो आपके होगा कौन, स्टेमन। माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो बेटा आपके कौन है, स्टेमन। ये आपके हो जाएगा कौन, स्टेमन, ठीक है। फिर आपके कह रहे हो क्या, मेगा स्पोरोफिल, तो ये आपके होता है कौन, कार्पल। फिर आप कहोगे फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये आपके होता है एम्ब्रायोसैक। तो इट मींस मेगा स्पोरेंजियम जो है वो आपके कौन है, ओव्यूल। तो फर्स्ट का आपके क्या हो जाएगा, थर्ड। मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल आपके स्टेमन है तो फर्स्ट, मेगा स्पोरोफिल कार्पल है तो आपके सेकेंड, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक है तो यहाँ आपके हो जाएगा क्या, फोर्थ। तो इसका आपके आ जाएगा क्या, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। तो थर्ड फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, आंसर आपके हो जाएगा बेटा क्या, फोर्थ। नेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट दिस कंडीशन। तो आपके क्या है, अगर आपके क्या है, सेम प्लांट है और फ्लावर अलग अलग है, तो इसको क्या कहोगे, देखो फिर कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, सेम फ्लावर सेम प्लांट, ओटोगेमी। डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, क्या है, जिटोनोगेमी। डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये इसको अपन कहते हैं क्या, एलोगेमी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, देखो ये आपकी एक प्लांट है, इसका आपके ये फ्लावर नंबर एक है और ये आपके क्या है, फ्लावर नंबर क्या है, टू है। तो जेनेटिक्स तो बेटा समान हुई ना, तो जेनेटिकली तो ये आपके क्या होगा भाई, इसको कहोगे तो आप क्या भाई, ये आपके कहलाएगी क्या, इन दोनों के बीच में अगर हो रही है, इसको आप कहोगे क्या, जिटोनोगेमी। क्या कहा जाता है, जिटोनोगेमी।
अब देखो इन दोनों की आपकी जेनेटिक्स क्या है, सेम है, तो ये जेनेटिकली जो है वो तो आपके क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन पॉलन ग्रेन यहां से यहां आया तो इकोलॉजिकली आपके क्या हो गए, क्रॉस पॉलिनेशन। सीधा एनसीईआरटी में इसका आपके क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन है। आ रही है बात समझ में? सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं भी आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना। भाई आपको सेम दिख रहा है, प्लांट क्या है, सेम है, और प्लांट सेम है तो ये आपके क्या हो गया बताओ, क्या हो गया जेनेटिकली, तो क्या हो गया सेम, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जर्नी हो रही है, इसीलिए इसको आपने क्या कह दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपके जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है और इकोलॉजिकली आपके क्या है बेटा, ये क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फिर आप कहोगे नेक्स्ट अपन बात करें तो फिर आप कहोगे गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग द अलोंग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाई विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। ये बेटा है क्या, देखो ध्यान रखना, ये आपके काय की स्ट्रक्चर दी हुई है, कोलेस्ट्रॉल की। किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके क्या है, कंपोनेंट है किसका, एनिमल सेल मेम्ब्रेन का। तो यहां आंसर आपके हो जाएगा बेटा क्या, फर्स्ट, क्या, कोलेस्ट्रॉल जो कि कंपोनेंट है आपके किसका, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां आपको बॉन्डिंग बताई गई है। ठीक है, देखो आप क्या कहोगे, यहां ये आपके से पूछ रहा है क्या, इन गिवन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड ए, ये जो है बेटा आपके क्या है, पूरा का पूरा आपके क्या है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो है वो आपको दे रखा है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। ये आपके क्या है बेटा, सुगर। ये आपके क्या दे रखी है, सुगर। और ये आपके क्या है बताओ, यहां आपके क्या दे रखा है, एन बेस। तो ये पूछ रहा है एन बेस और सुगर के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपके कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर एक और न्यूक्लियोटाइड अपन यहां जोड़ते हैं तो वो इस टाइप से जुड़ता है, यहां जो बॉन्ड बनता है वो आपके कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। ये तो आपकी एक चेन चलेगी और यहां दूसरी चेन जो चलती है उसका आपके एक नाइट्रोजिनस क्षारक जो होता है वो दूसरे से आपके क्या है, क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्डिंग जो है वो बेटा आपकी कौन सी होती है, ये आपके कौन सा बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। तो यहां आपके क्या आ जाएगा, ये जो बॉन्ड है ए जो है वो आपके कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको बात करें तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आप मिलाएं, देखो ग्रोइंग माइक्रोब्स एज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, माइक्रोब्स को आपके क्या है, प्रोटीन के अल्टरनेट सोर्स की फॉर्म में यूज लेना क्या कहलाता है, एस सी पी, सिंगल सेल प्रोटीन। तो एक आपके हो जाएगा कौन सा, थर्ड। फिर है प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड प्लांट्स बाई टिश्यू कल्चरिंग, इसको अपन कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, तो इसका आपके हो जाएगा बेटा कौन सा, फोर्थ। फिर आपको कह रहा है क्रॉप्स विद हायर विटामिन्स प्रोटीन एंड फैट्स, इसको अपन कहते हैं बताओ क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, तो इसको अपन कहते हैं क्या, सेकेंड। फिर आप कहोगे क्या, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो होते हैं उनको अपन कहते हैं बेटा क्या, सोमाक्लोन। कैपेसिटी टू जनरेट प्लांट फ्रॉम ए सिंगल सेल, तो ये आपके सिंगल सेल से पूरे प्लांट का बनना आपके क्या कहलाता है बेटा, टोटिपोटेंसी। तो यहां आपके आ जाएगा थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, थर्ड फोर्थ फिर सेकेंड, फिर आपके आ जाएगा क्या, फिफ्थ, थर्ड फोर्थ सेकेंड, फिर आपके क्या आ जाएगा, फिफ्थ, ये रहा, और फिर आपके आ जाएगा क्या, फर्स्ट। तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट जो है 117, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्या है बेटा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपकी में ये दिया हुआ है। देखो क्या कहोगे आप यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन यूज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग प्लांट्स। आपके क्या कह रहा है, निम्न में से किस विकिरण का उपयोग उत्परिवर्तन संकरित पौधों के निर्माण के समय होता है,
तो यहां आपकी कौन सी रेडिएशन काम में ली जाती है बेटा? गामा रेडिएशन, गामा विकिरण का यहां आपके क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां जो है वो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, विच इज द नेम ऑफ वायरस गिवन इन फिगर। ये आपके फिगर में दिया हुआ वायरस जो है वो आपके कौन सा है बेटा? एडिनो वायरस। और ये ध्यान रखना, ये एडिनो वायरस जो है वो आपके क्या है, कौन सी डिजीज? रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो आपके क्या करता है? क्रिएट करता है। तो ये आपके क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो आपके क्या करता है बेटा? क्रिएट करता है। तो यहां आपके कौन सा वायरस है? ये एडिनो वायरस, एडिनो विषाणु है, जो कि आपके वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज जो है उनको आपके क्या करता है? कोज करता है। ये आपके बहुत अच्छा आपके क्या है क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? एंजाइम्स जो है वो आपके क्या है? बायोकैटलिस्ट। क्या कहा था? एंजाइम जो है वो आपके क्या है? बायोकैटलिस्ट। क्या है बेटा? बायो कैटलिस्ट। एंजाइम जो है वो आपके क्या है? बायोकैटलिस्ट है। ये आपके क्या करता है बताओ? जो आपके क्या है, जो आपके रिएक्शन है, ये आपके रिएक्शन जो है इसकी आपके एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको आपके क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको आपके क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। इसको आपके क्या कर देता है? घटा देता है, जिससे आपके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेटा आपके क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो एंजाइम आपके बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बेटा आपके क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो है उसको आपके क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो आप यहां ध्यान रखें, यहां कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको आपके बढ़ाएगा एंजाइम, कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के। तो यहां आप कहोगे एक तो ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, इसमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी आपके क्या है? ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपके क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। तो यहां एंजाइम आपके क्या है? एब्सेंट है। एंजाइम आपके क्या है? एब्सेंट है। यहां आपके एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बेटा आपके क्या लग रही है? कम लग रही है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपके क्या है? कम है। ठीक है, तो यहां आपके एंजाइम क्या है? प्रेजेंट है। यहां एंजाइम जो है वो आपके क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट मींस एक्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है किसके? एक्टिवेशन एनर्जी, जब एंजाइम आपके क्या है? एब्सेंट है या विदाउट एंजाइम। और वाई जो है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी है किसके साथ? एंजाइम के साथ। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो आंसर आपके चला जाएगा बेटा क्या? फर्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है वो आप क्या कहोगे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीडीएनए। उस विकल्प को चुनिए जो बीडीएनए के लक्षण के बारे में आपके क्या बता रहा है बेटा? गलत बता रहा है। देखो बीडीएनए अपन पूरा बना ही लेते हैं, ये आप कह देते हो ठीक है, ये इसका डायामीटर जो है वो आपके कितना है? 20 एंगस्ट्रम। ठीक है, यहां आप कहोगे ए डबल बॉन्ड मान लो किसके साथ है? टी के साथ। तो सी ट्रिपल बॉन्ड जी जो है वो आपके होगा, ये पूरा का पूरा एक आपके क्या है? हेलिक्स। ठीक है, ये आपके बेटा क्या है? हेलिक्स है। अब इस हेलिक्स में आप क्या कहोगे? कितने बेस हैं? 10 आपके क्या हैं? बेस पेयर है। कितने बेस पेयर हैं? 10। ठीक है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी जो है वो है आपके 3.4 एंगस्ट्रम, या कहोगे 0.34 आपके क्या है? नैनोमीटर। ठीक है, अब इस पूरी में आपके 10 बेस पेयर हैं और दो के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम है, तो इस पूरे हेलिक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो आपके 3.4 इंटू 10 कर दें आप, कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रम, या इसी को ही आप क्या कह दोगे? क्या होगा? 3.4 nm। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फिर कह रहा हूं बेसिक अगर बेटा आपका क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर कह रहा है डायमीटर ऑफ, डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रम, बिल्कुल है साहब, ये सही है। बेस पेयर पर टर्न आपके कितने हैं? 10 है, ये भी सही है। रोटेशन आपके कैसा होता है? राइट हैंडेड, ये भी सही है।
लेंथ ऑफ टर्न जो है, लेंथ ऑफ हेलिक्स जो है वो 34 nm नहीं है बेटा, कितनी है 3.4 nm, या एंगस्ट्रम में कितनी है आपके 34 एंगस्ट्रम। तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, रॉन्ग हो जाता है। तो यहां आपके क्या है, असत्य जो हो जाएगा वो आपके क्या है, फोर्थ। आ रही है बात समझ में बेटा? तो ये एक अच्छा सा आपके क्या था बेटा, पेपर था, शानदार सा आपके क्या रहा, पेपर रहा। फुल टू फुल आपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट की क्या की बात की, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को आपने डिस्कस किया। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो पूरा अपन ने सॉल्यूशन कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बेटा आपके खुले हुए हैं, वहां आप खुले आपके क्या पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। बिल्कुल डिप्रेस आपको होना नहीं है, बॉस के कॉन्टेक्ट में रहें, बढ़िया मोटिवेट होते रहें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो फैकल्टी आपके क्लियर कर ही रही है। बेस्ट पेपर्स हैं आपके डीसीएम के, जो भी आपके क्या है नीट ओरिएंटेड है। तो नीट की आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड को समझते हुए मेहनत करना है। बायोलॉजी का रामबाण यही है। और सारे पेपर्स जो होंगे वो भी आपके किससे होंगे, एनसीईआरटी बेसिस होंगे। आई होप आपको एम्ब्रायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल और एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी एकदम आपके क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय सीएलसी, जय जय सीएलसी, विजय सीएलसी। थैंक यू।